हेलो कैसे हैं आप सब लोग आज हम पढ़ेंगे वन खत्म कर लिया और आज जो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मैं कराने जा रहा हूं ध्यान से अपनी नोटबुक लेके बैठना पूरा का पूरा रिविजन जीरो टू एंड कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी थियोरी कोई भी टॉपिक कोई भी न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं इसके अंदर मैं इस तरीके से कराऊंगा जिससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए बस आपको नोटबुक देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अपनी नोटबुक लेके बैठना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको मेरे साथ साथ करना पड़ेगा कुछ नोट डाउन करने पड़ेंगे एंड डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा क्लास विद इन टू आवर्स दो घंटे के अंदर इस चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छे से रिविजन करा दूँ जैसा मैंने पहले एडमिशन का कराया उससे भी बेहतर तरीके से रिटायरमेंट करा दूँगा अच्छा जिन बच्चों को एडमिशन टफ लगता है जिन बच्चों को एडमिशन में दिक्कत आती है वो बच्चे रिटायरमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे तो क्लास उनका काम बन जाएगा कई बार मतलब बहुत ज़्यादा चांस होता है जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है वो ऑप्शन में आ जाता है एडमिशन में या रिटायरमेंट में तो अगर आपका रिटायरमेंट स्ट्रॉन्ग है तो एडमिशन अगर आपको दिक्कत भी दे रहा है तो आपको टेंशन लेनी जरूरत नहीं आपके नंबर पूरे आएंगे स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है कोई भी पार्टनर कभी भी फर्म को छोड़कर जा सकता है इसके लिए उसके पास जो अग्रीमेंट है उसमें लिखा होगा कोई पार्टनर कभी भी छोड़ के जा सकता है लेकिन अगर अग्रीमेंट नहीं है और सारे पार्टनर अग्री हैं तो कोई पार्टनर बिज़नेस को छोड़ के जा सकता है जनरली अगर वो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो उसे एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा ऐसे थोड़ी कभी भी कोई उठ के चला जाएगा उसको लिख के एक बताना पड़ेगा रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इस फलाना डेट से इस बिज़नेस का पार्टनर नहीं रहूँगा और मैं इस बिज़नेस को छोड़ रहा हूँ किसी भी तरीके से वो छोड़ सकता है वो नोटिस दे देगा अगर तो उसके बाद नोटिस का जो डेट रहेगा जिस दिन क्लास वो छोड़ के जाएगा उस दिन के बाद से क्लास उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी उसकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी लाइक like वो पंद्रह जनवरी को रिटायर होकर चला गया और सोलह जनवरी को कुछ नुकसान हो जाता है तो वो लाइबल नहीं होगा अगर नोटिस दिया है तो अगर बिना नोटिस दिए ऐसे ही चला गया क्लास तो वो हमेशा के लिए क्लास जो भी एक्टिविटी होगी उसके लिए वो लाइबल रहेगा तो ध्यान रखना रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो कंटिन्यू टू बी लाइबल टू दर्ड कि अगर मान लो पंद्रह तारीख को रिटायर हो गया बिना बताए सोलह तारीख को जो कोई भी मिल जाएगा मुझसे पैसे मांगने लगेगा क्योंकि भाई वो तो सोचेगा ना कि इस फर्म का हिस्सा है भाई आपने छोड़ के चले गए तो आपने बताया कहाँ रिटर्न नोटिस कहाँ दिया आपने सब तो आपको पार्टनर ही समझेंगे तो आप लाइबल रहोगे अपने एक्ट के लिए कोई भी एक्ट अगर फर्म कर रहा है उसके लिए आफ्टर इज रिटायरमेंट अंटिल अ पब्लिक नोटिस पब्लिक नोटिस मतलब न्यूज़पेपर में आपको एक पर्टिकुलर कॉलम लेके इन्फॉर्मेशन देनी होती है बताना पड़ता है कि मैं इस फलाना डेट से इस पूरे फर्म का पार्टनर नहीं हूँ तो मैं किसी चीज़ के लिए आगे लाइबल नहीं रहूँगा कोई मुझसे कुछ ना बोले राइट ना मुझे कोई पैसा दे ना मुझसे कोई पैसा ले बेसिकली रिटायरमेंट होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक पब्लिक नोटिस

जो नाम उसने कमाया है क्लास उसके उसका गुडविल जो नाम जो गुडविल बनी है बिजनेस की वो लेके जाएगा हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ जब तक जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक का जो भी प्रॉफिट है वो उसको लेके क्लास लेके जाएगा हिज शेयर ऑफ रिवैल्यूशन ऑफ एसेट भाई सीधी सी बात है अगर कोई एसेट लाइबिलिटी की रिवैल्यूशन हुई है उससे उसका गेन लॉस आ रहा है तो भाई वो लेके जाएगा या शेयर करेगा बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है वर्कमेन कॉम्पन्सेशन रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो सारी चीज़ें क्लास वो लेके जाएगा एडमिशन में जैसा पढ़ा था ना अपने क्लास सेम टू सेम वैसे रिटायरमेंट में है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है बाकी सब ट्रीटमेंट सेम रिवेल्यूशन का, का है ना और इंटरेस्ट छः परसेंट ऑन हिज लोन इफ डिट इज़ साइलेंट तो अगर क्लास वो जा रहा है छोड़ के उसे कोई लोन वगैरह है या फिर मान लो जब वो छोड़ के जा रहा है तो उसका हिस्सा बनता है पच्चीस लाख रुपये फोम कहती है पाँच लाख रुपये अभी ले लो बीस लाख रुपये बाद में दे देंगे इसका इंटरेस्ट का रेट नहीं गिवन है तो उसको छः का उसका ब्याज भी मिलेगा बिकॉज पार्टनर लोन जो है वो छः है राइट तो ये सारी चीज़ें क्लास रिटायरिंग पार्टनर को मिलता है ये सब थ्योरी की बातें थी अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल पोर्शन पे और अब हम प्रैक्टिकल की बात करें उसे आप लिख जरूर लेना वीडियो पॉज करके अब नई रेशियो कैसे निकालते हैं और गेनिंग रेशियो आपने सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा था एडमिशन में ओल्ड माइनस न्यू इसमें गेनिंग रेशियो है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो रिटायरमेंट में तीन पार्टनर हैं ए बी सी बी छोड़ के चला गया तो ए और सी की न्यू रेशियो क्या होगी हमें ये जानना है साथ में ये भी देखना है क्लास कि ए और सी का गेनिंग रेशियो क्या होगा क्यों बी चला गया तो प्रॉफिट पहले तीन लोगों में बढ़ता था अब वही प्रॉफिट दो लोगों में बटेगा ए में और सी में बी तो छोड़ के चला गया तो ए और सी में बटेगा तो किस रेशियो में बटेगा वो न्यू रेशियो है और ए को कितना फ़ायदा हुआ सी को कितना फ़ायदा हुआ ये जानने के लिए गेनिंग रेशियो एडमिशन में दो पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे से तभी तीसरा आता था रिटायरमेंट में दो पार्टनर को गेन होगा अगर एक पार्टनर चला गया तो उसका प्रॉफिट भी इन दोनों को बटेगा तो हम देखते हैं किस तरीके से क्लास हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और न्यू रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन है और वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने के दो केसेस होते हैं ध्यान समझना इन दो के अलावा कोई और केस नहीं बनता यही दो केस है सबसे पहला है सिंपल केस या नॉर्मल केस और दूसरा है क्लास अक्वायर केस ठीक है अक्वायर या टेक्स के केस ठीक है देखो अक्वायर का मतलब लेना टेक्स का मतलब लेना और गिव का मतलब सरेंडर का मतलब होता है देना अगर मैं बोलू अगर मैं तुमको भाषा दिखाऊ ना क्लास ए बी सी और बी छोड़ के चला गया तो बी अपना हिस्सा ए और सी को देके जा रहा है या ए और सी बी से ले रहे हैं बात तो बराबर है ना मैं आपको दे रहा हूं आप मेरे से ले रहे हो तो बात तो बराबर ही है राइट तो न्यू रेशियो में सिंपल केस और अक्वायर केस से दो तरह केस होते हैं सिंपल केस में बहुत ही सिंपल केस होता है क्लासे देखते ही बता दोगे आप ए बी सी की रेशियो थ्री टू वन है बी छोड़ के चला गया तो ए और सी की न्यू रेशियो थ्री रेशियो वन है यही आपका गेनिंग रेशियो भी है लिख लेना क्लास इन सिंपल केस लिखो अपनी कॉपी में इन सिंपल केस न्यू रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू गेनिंग रेशियो सिंपल केस में जो न्यू रेशियो है वही हमेशा गेनिंग रेशियो के बराबर होता है इन सिंपल केस न्यू रेशियो इज़ ऑलवेज इक्वल टू गेनिंग रेशियो सिंपल केस में जो न्यू रेशियो है वही क्लास क्या होता है गेनिंग रेशियो के बराबर होता है सिंपल केस के अंदर राइट right? अच्छा अगर मैं अक्वायर केस की बात करूँ अक्वायर केस में क्या लिखा रहेगा ए बी सी तीन पार्टनर है बी छोड़ के चला गया राइट right? बी अपना हिस्सा ए और सी के सी को देके गया बस ये ध्यान रखना जो भी पार्टनर जा रहा है वो अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को देकर जाएगा अब ये किस रेशियो में देकर जाएगा वही गेनिंग रेशियो होता है लाइक बी अपना हिस्सा थ्री रेशियो वन में देके जाएगा तो बी का हिस्सा निकालना इसका थ्री बाई फोर वन बाई फोर निकालना थ्री बाई फोर ए में जोड़ देना वन बाई फोर सी में जोड़ देना मैं अभी दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन करके कल कोई रेशियो टू रेशियो वन हो सकता है कल कोई रेशियो वन रेशियो वन हो सकता है इक्वल हो सकता है कल कोई रेशियो क्लस थ्री रेशियो टू टू रेशियो थ्री कुछ भी हो सकता है तो जो भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो रिमेनिंग पार्टनर को अपना शेयर देकर जा रहा है एक पर्टिकुलर रेशियो में वही क्लास आपका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास गेनिंग रेशियो और इस तरीके से नई रेशियो की कैलकुलेशन होती है अब हमारे पास एक क्वेश्चन है इसको हम लोग करके देखते हैं ध्यान से सारे बच्चे देखो पढ़ते हैं आर एस एम तीन पार्टनर से इनकी रेशियो है टू रेशियो टू, रेशियो, टू रेशियो, अगर कभी डिनोमिनेटर बराबर ना हुआ ना डिनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं हो तो आप इसे इक्वल करोगे एम डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेर इज टेकन बाय आर एंड एस इन रेशियो रेशियो टू ध्यान रखना एम रिटायर हो रहा है तो एम को उठाकर यहाँ ले आओ क्लस ठीक है एम रिटायर हो गया एम का हिस्सा है हिस्सा है वो आर और एस ले रहा है इन द रेशियो ऑफ वन रेशियो टू तो यानी कि वन रेशियो टू यानी कि वन बाई थ्री और टू बाई थ्री जो भी एम का हिस्सा है एम का हिस्सा कितना है वन बाई फाइव उसका वन बाई थ्री वन बाई फाइव का टू बाई थ्री मतलब ये वन बाई फिफ्टीन हो गया ये हो गया टू बाई फिफ्टीन तो मुझे बताओ क्लास कि आर का हिस्सा पहले था कितना टू बाई फाइव आर ने एम से कितना ले लिया वन बाई फिफ्टीन ठीक है छोड़कर कौन जा रहा है क्लास कौन रिटायर हो रहा है एम रिटायर हो रहा है एस के पास पहले था टू बाई फाइव कितना ले लिया क्लास टू बाई फिफ्टीन तो अभी आपको नई रेशियो मिल जाएगी अच्छा इस क्वेश्चन में जो गेनिंग रेशियो है ध्यान समझना इस क्वेश्चन में जो गेनिंग रेशियो है वो हमेशा यही होगी जिस रेशियो में एम आर और एस को दे रहा है एम अपना हिस्सा आर और एस को वन रेशियो टू में दे रहा है एम अपना हिस्सा आर और एस को वन रेशियो टू में दे रहा है तो ये जो वन रेशियो टू है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गेनिंग रेशियो ठीक है तो आप सॉल्व कर लो क्लस ये हो गया फिफ्टीन फाइव थ्री जे फि फिफ्टीन थ्री टू जे सिक्स प्लस वन ये हो गया सेवन अपॉन फिफ्टीन ये भी फिफ्टीन आएगा फाइव थ्री जे फिफ्टीन 6 plus 2, गया, 8 upon 15. तो तो रेशियो आ गया राइट right? तो ये पहला क्वेश्चन था और इस तरीके से आप न्यू रेशियो निकाल सकते हो लिख लो फटाफट नोटबुक में न्यू रेशियो की कैलकुलेशन इस तरीके से होगी और गेनिंग रेशियो मैंने तुम्हें बता दिया कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो रिमेनिंग से जिस रेशियो में लेके जा रहा है वही रेशियो गेनिंग रेशियो है तुम एक काम कर सकते हो एक अपने चेक करने के लिए तुम एक काम कर सकते हो तुम गेनिंग रेशियो का फॉर्मल लगा लो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो तुम इसका फार्मूला लगा लो राइट right? और फार्मूला लगाने के बाद चेक कर लेना क्लास ये नहीं रेशियो आपका वन रेशियो टू ही आ रहा होगा इसको चेक करके देख लेना फॉर्मूला लगाने के बाद यही आएगा एक और क्वेश्चन है क्लास देखते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड की जो रेशियो है वो है वन बाई थ्री बराबर करेंगे पहले डब्ल्यू एक्स वाई जेड वन बाई थ्री वन बाई सिक्स वन बाई थ्री वन बाई सिक्स ठीक है टू टू ये आएगा टू बाई सिक्स या आएगा वन बाई सिक्स इसको भी टू टू से करेंगे ये आएगा टू बाई सिक्स या आएगा वन बाई सिक्स ये आ गई क्लास आपकी रेशियो और वाई रिटायर वाई चला गया छोड़ के वाई रिटायर हो गया एंड डब्ल्यू एक्स जेड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर डब्ल्यू एक्स जेड चाहते हैं कि वो इक्वली शेयर करें यानी कि वन रेशियो वन रेशियो वन शेयर करेंगे और आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो आप मुझे बताओ जो गेनिंग रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो जो गेनिंग रेशियो है उसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो तो हम देखते हैं क्लास डब्ल्यू एक्स जेड इनका न्यू रेशियो तो है वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री ये न्यू रेशियो है और ओल्ड रेशियो हमारे पास है डब्ल्यू का टू बाई सिक्स एक्स का वन बाई सिक्स जेड का भी वन बाई सिक्स है तो एल्सीम आएगा सिक्स थ्री टू जिक्स टू माइनस टू यानी कि ये ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो जीरो आ गया इसका।, इसका इसके अल्सम सिक्स आएगा थ्री टू जिक्स टू माइनस वन वन बाई सिक्स इसके अल्लेम भी सिक्स आएगा थ्री टू जिक्स टू माइनस वन आप लिए लिख सकते हो एक्स एंड जेड का जो गेनिंग रेशियो है जो गेनिंग रेशियो है कुछ ऐसा है जीरो वन और वन मतलब एक्स और जेड ही गेन कर रहे हैं डब्ल्यू गेन नहीं कर रहा ओके तो एक तो सिंपल केस का क्वेश्चन हमने कर लिया ठीक है सिंपल केस का तो वही छुपा दो आ जाएगा सिंपल गेनिंग रेशियो इसमें निकाल लिया हम लोगों ने हमें ओल्ड रेशियो गिवन था हमें न्यू रेशियो था हमने न्यू माइनस ओल्ड करा गेनिंग रेशियो आ गया इससे पहले सिंपल कैसा क्वेश्चन अक्वार कैसा क्वेश्चन था जहाँ पे जो छोड़ के जा रहा है वो किसी रेशियो में देखे जा रहा है वो कुछ भी रेशियो हो सकता है वो आपका गेनिंग रेशियो हो गया राइट तो इस तरीके से एक एक नंबर के सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैं ये कहूंगा कि यह हंड्रेड परसेंट तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेगा पेपर में ये हंड्रेड परसेंट आता ही आता है ध्यान से अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाना गुडविल का ट्रीटमेंट देखो बच्चों दो तरह की गुडविल होती है ध्यान समझना दो तरह की गुडविल होती है सबसे पहला गुडविल इन बैलेंस शीट गुडविल इन बैलेंस शीट यानी कि आप इसे कहोगे गुडविल इन एग्जिस्टिंग बुक्स तो अगर क्लास गुडविल तुमको बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है ठीक है इट विल बी रिटर्न ऑफ इट विल बी रिटर्न ऑफ अगर तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है तो क्लास आप इसको राइट ऑफ कर दोगे इसको हटा दोगे इफ गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है अब बार बार गुडविल लिख दे रहा हूँ बताने के इट विल बी रिटर्न ऑफ ठीक है अगर बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें गुडविल दे रखा है तो उसे राइट ऑफ करोगे और राइट ऑफ की एंट्री हमने पढ़ा था जो एडमिशन में था वो सेम ही होगा क्लास आप क्या लिखोगे ओल्ड पार्टनर्स इसमें ओल्ड तीनों हैं ए बी सी तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल और ध्यान रखना ये ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा लाइक ए बी सी टू गुडविल जेड टू गुडविल पी क्यू आर टू गुडविल है ना तो गुडविल अगर ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर है अगर तुम्हें पुरानी बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल दे रखी है सो इट विल बी रिटर्न ऑफ उसे हमें मिटाना है हटाना है खत्म करना है और अगर गुडविल एडिशनल पॉइंट में है गुडविल इन एडिश जो ये पक्का यही है जो पक्का आता है ये भले ही बैलेंस शीट में में हो ना हो ना गुडविल बट एडिशनल पॉइंट तो पक्का आएगा तो गुडविल इन एडिशनल पॉइंट तो अगर एडिशनल पॉइंट में गुडविल है अगर आपको एडिशनल पॉइंट के अंदर गुडविल दे रखा है एडिशनल पॉइंट के अंदर तुम्हें गुडविल दे रखा है तो उसकी एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग ध्यान रखना क्लास रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कुछ बच्चे इसको gaining to sacrificing भी बोलते हैं Remaining मतलब जो बच गया और like जा गुडविल है तो पूरे मतलब फर्म की गुडविल पांच करोड़ है तो भैया फर्म की गुडविल मतलब फर्म का नाम कमाया किसने ए बी सी तीनों ने अब बी छोड़ के जा रहा है है ना तो बी का एक करोड़ बनता है तो बी का जो एक करोड़ है वो और सी कंट्रीब्यूट करके देंगे उसको अब B को देने के बाद और C के देने के बाद अब पूरे बिजनेस का जो पांच करोड़ गुडविल है वो ए और C की हो गई तो ए और सी उसे अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करेंगे अब उसके बाद उसके जाने के बाद पूरे फर्म का मालिक जो है वो ए और सी हो गए बी छोड़ के चला गया तो बी कहता है भैया मैंने नाम कमाया बिजनेस का मुझे मेरा हिस्सा दो बिजनेस बेच के ए और सी कहते हैं भाई देख बेचेंगे नहीं हम बिजनेस को हमें तो आगे चलाना है बिजनेस तो हम तेरे को दे देते हैं अब मालिक हम बन गए तो क्लास रिमेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू रिटायरिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो अब देना एक करोड़ है बी को तो जो जितना गेन कर रहा है वो उतना अपने जेब से भरेगा तो ए की कैपिटल से माइनस कर दो सी की कैपिटल से माइनस कर दो बी की कैपिटल में एड कर दो रिमेनिंग टू रिटायरिंग ये एंट्री पक्का आती है इन गेनिंग रेशियो आप ध्यान रखना क्वेश्चन देखो हैनी पैमी सनी तीन पार्टनर से इनकी रेशियो है थ्री रेशियो टू रेशियो वन ठीक है हैनी पैमी और सनी इनकी जो रेशियो है वो है थ्री टू वन यानी कि थ्री बाई सिक्स टू बाई सिक्स और वन बाई सिक्स ठीक है अब इसके बाद कह रहे हैं गुडविल बुक्स में अपियर है साठ तो करोगे जो गुडविल बुक्स में अपियर होता है उसे राइट ऑफ करते हैं ओल्ड टू गुडविल एंट्री होती है ध्यान रखना ओल्ड टू गुडविल कितने गुडविल है साठ हजार गुडविल है ओके okay, कितनी गुडविल है साठ हजार और यह आएगा थर्टी ट्वेंटी टेन थर्टी ट्वेंटी और टेन राइट right? तो जो गुडविल ओल्ड बुक्स में अपियर है हम उसे राइट ऑफ करेंगे ठीक है अच्छा अब जो गुडविल एडिशनल पॉइंट में है लिखा है पैमी जब रिटायर हो रहा है कौन रिटायर हो रहा है पैमी तो पैमी छोड़ के जा रहा है तो हमें इसमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी न्यू माइनस ओल्ड तो न्यू कितना है क्लास चेक करो गेनिंग तो हमेशा क्लास पैमी जा रहा है छोड़ के तो पैमी को तो हटा ही दो इन दोनों का गेनिंग रेशियो निकालना है पेमी के जाने के बाद हनी सॉरी हैमी और सनी टू बाई थ्री और वन बाई थ्री ये न्यू रेशियो है ओल्ड रेशियो है ये सिक्स आएगा और ये क्लास आएगा थ्री टू जो सिक्स फोर माइनस थ्री वन बाई सिक्स ए वी सिक्स आएगा थ्री टू जहाँ टू माइनस वन वन बाई सिक्स तो जो गेनिंग रेशियो निकल कर आई वो वन रेशियो वन निकल कर आ गई ठीक है आपको एंट्री पास करनी है गुडविल की तो एक काम करो लिखा है पेमी रिटायरमेंट एट द टाइम ऑफ पेमी रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड तो ये फर्म की गुडविल है ध्यान रखना सबसे पहले हमें करना क्या है गेनिंग रेशियो निकालना है फर्म की गुडविल दे रखिए एटी फोर तो पेमी का हिस्सा निकालो जो छोड़ के जा रहा है या जा रही है जो भी होगा या होगी तो पेमी का जो शेयर आएगा एट्टी फोर थाउजेंड इन टू तो पेमी का हिस्सा कितना है क्लास यहाँ पे तीन चार पाँच छः तो टू बाई सिक्स तो टू वन जो टू टू थ्री जो सिक्स एट्टी फोर को थ्री से करो यार कितना आ रहा है चेक करो एट्टी फोर थाउजेंड डिवाइड बाई थ्री यार ट्वेंटी एट थाउजेंड तो पेमी का जो गुडविल है वो ट्वेंटी एट थाउजेंड आ रहा है राइट पेमी रिटायर पेमी के गुडविल जो है वो इतना आ गया और एंट्री क्या करेंगे रिमेनिंग टू रिटायरिंग तो रिमेनिंग कौन है क्लास हैनी डेबिट पेमी डेबिट टू सॉरी सॉरी हैनी डेबिट सनी डेबिट टू पेमी रिमेनिंग टू रिटायरिंग हैनी डेबिट टू पेमी तो जो पेमी है उसको ट्वेंटी एट थाउजेंड मिलेगा और गेनिंग रेशियो क्योंकि इक्वल है तो फोर्टीन थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड ये आप एंट्री नॉर्मली पास करोगे रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हमारा जो आ रहा है यहाँ पे वो क्या आ रहा है क्लास इक्वल आ रहा है बात समझ आ गई तो सबसे पहला स्टेप जो गुडविल ओल्ड बुक्स में है उसे राइट ऑफ करो दूसरा स्टेप जो एडिशनल में गुडविल दे रही है चेक करो वो रिटायरिंग पार्टनर की है या फर्म की है अगर वो फर्म की है तो जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा निकालो गेनिंग रेशियो निकालो रिमेनिंग टू रिटायरिंग गेनिंग रेशियो में एंट्री पास कर दो खत्म तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अच्छा अभी एक ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है घुमा के क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान रखना देखो तो कहानी सिंपल होती क्या है कि ए बी सी पार्टनर है बी छोड़ के जा रहा है बी अपना हिस्सा ए और सी को देकर जा रहा है बस इतनी सी बात है बी छोड़ के जा रहा है और बी अपना हिस्सा ए और सी को देकर जा रहा है।, है ना कहानी यही तो है B�� छोड़ के जा रहा, अपना एवस्ट एवस्ट जा रहा है अच्छा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी जा रहा है और बी अपना हिस्सा और सी को सेल करके जा रहा है एक ही बात है बी अपना हिस्सा और सी को बेच के जा रहा है यह कहना गलत नहीं होगा hmm. कि बी अपना हिस्सा ए और सी को सेल कर रहा है बी अपना हिस्सा और सी को बेच रहा है राइट सो राम मोहन सोहन पार्टनर्स एवस्� और इनकी रेशियो है बारह आठ पाँच ऑन मोहन रिटायरमेंट गुड द फॉर्म वेल्यूड पचास हज़ार एंड हिज शेयर ऑफ गुडल एडजस्टेड पासिंग थ्रू एंट्री देखो पचास हज़ार पूरे फॉर्म की गुडविल है तो जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा इन्होंने निकाल लिया और एंट्री पास कर दिया इस राम डेबिट सोहन डेबिट टू तो मतलब कि गेनिंग रेशियो जो आएगा ना वो छः हजार और दस हजार आएगा एक दो तीन एक दो तीन दो तीन छः दो पंच दस तो गेनिंग रेशियो जो आएगा वो आएगा थ्री रेशियो फाइव ध्यान रखना गेनिंग रेशियो आएगा थ्री रेशियो फाइव बिंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ विल एडजस्टेट बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस और मोहन शेयर ऑफ रिटायरमेंट एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरी बात समझना अब हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं देखो न्यू रेशियो हम कैसे निकालेंगे इनका जो शेयर है वो है बारह आठ पाँच बारह आठ और पाँच तो ये कितना क्लास आएगा बारह आठ बीस पच्चीस आ जाएगा पच्चीस पच्चीस ठीक है ये इनका रेशियो था और जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो है क्लास मोहन रिटायरमेंट मोहन छोड़ के जा रहा है तो मोहन को उठा के यहाँ पे ले आओ कौन कौन है राम मोहन सोहन राम मोहन और सोहन मोहन जा रहा है एट बाई ट्वेंटी फाइव तो मोहन अपना हिस्सा ले रहा है किससे राम मोहन अपना हिस्सा लेगा राम और सोहन से तो मोहन अपना हिस्सा राम और सोहन से लेगा थ्री रेशियो फाइव में थ्री बाई एट और वो जो एंट्री दे रखी है ना वो यही बताने के लिए दे रखी है कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो अपना हिस्सा इन दोनों को ऐसे ऐसे देके जा रहा है थ्री बाई एट फाइव बाई एट तो एट अपॉन ट्वेंटी फाइव का थ्री बाई एट एट अपॉन ट्वेंटी फाइव का फाइव बाईट एट से एट कैंसिल ये हो गया थ्री बाई ट्वेंटी फाइव एट से एट कैंसिल ये हो गया फाइव बाई ट्वेंटी फाइव तो आप मुझे बताओ क्लास राम मोहन सोहन मोहन चला के छोड़ के राम में ऐड हो जाएगा कितना थ्री बाई ट्वेंटी फाइव इसमें ऐड हो जाएगा फाइव बाई ट्वेंटी फाइव तो इंडिविजुअल गेन की बात करें तो राम गेन करेगा थ्री बाई ट्वेंटी फाइव और सो, आ, सोहन गेन करेगा फाइव बाई ट्वेंटी फाइव आंसर हो गया इंडिविजुअल गेन और न्यू रेशियो निकालना है तो एलसीय आएगा पंद्रह अपॉइंट पच्चीस ये भी पच्चीस आ गया दस अपॉइंट पच्चीस तो एलसीएम करके न्यू रेशियो आ गया पंद्रह रेशियो दस किसका है क्लास राम और सोहन का मोहन चला गया इसे काट सकते हो पाँच पंद्रह पॉइंट थ्री रेशियो टू

हिस्सा बेच रहा है छ हजार दस हजार में मतलब थ्री रेशियो आ, कितना आएगा छ हजार दस हजार तो अच्छा छ हजार और दस हजार तो आप लिखोगे दो थ्री रेशियो फाइव राइट ये आपका गेनिंग रेशियो आ गया तो बेच रहा है दे रहा है या गुडविल की एंट्री करवा रहा है तो बात वही है वो गेनिंग रेशियो के बारे में ही बात कर रहा है ओके तो आप इसके अच्छे से देख लेना अच्छा अब एक टॉपिक है इसमें हिडन गुडविल हिडन गुडविल के अंदर क्या होता है मेरी बात समझना ए बी सी तीन पार्टनर है बी रिटायर हो रहा है तो बी क्या क्या लेके जाएगा कैपिटल लेके जाएगा रिजर्व लेके जाएगा है ना क्वेश्चन कहता है कैपिटल रिजर्व और रिवेल्यूशन गेन इन सबको मिला के उसका अस्सी हजार बनता है किसका बी का बी छोड़ के जा रहा है तो कैपिटल रिजर्व रिवैल्यूशन गेन सब कुछ मिला के अस्सी हजार बनता है लेकिन पार्टनर कहते हैं कि हम तुमको एक लाख देने को तैयार है जो ए और सी है वो कहते हैं हम तुमको एक लाख देने को तैयार हैं तो भैया ये जो फालतू दे रहे हैं बीस हजार रुपए ये जो बीस हजार ये फालतू दे रहे हैं उसको यही बीस हजार रुपए जो कहलाता है क्लास वो हिडन गुडविल कहलाता है उस पार्टनर का क्यों कैपिटल दे दिया रिजर्व दे दिया रिवॉल्यूशन गेन दे दिया तो गुडविल कौन देगा तो ऑब्वियसली जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट जा रही है वो किसकी जा रही है गुडविल की मेरी बात समझ आई क्वेश्चन देखते हैं एबीसी तीन पार्टनर रेशियो वन टू थ्री सी रिटायर हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व तो जो कैपिटल है उसमें रिजर्व हो गया प्रॉफिट ऑन रीवैल्युएशन हो गया है स्टैंड्स फॉर एक लाख बीस हजार तो ये हो गया एक लाख बीस हजार ए और बी अग्री टू पे हिम डेढ़ लाख यार एक बात बताओ जब एक लाख बीस हजार बनता है तो आप क्यों उसको डेढ़ लाख रुपए दे रहे हो तो जो भी थर्टी थाउजेंड है यही क्या है क्लास गुडविल है ऑफ सी ऑब्वियसली सी को देने की बात कर रहे हैं तो ये सी की गुडविल है और आपको एंट्री पास करने गेनिंग रेशियो में तो ये है क्लास आपका न्यू रेशियो है ना सी चला गया तो ए और बी तो ए और बी का न्यू है वन बाई फोर थ्री बाई फोर जो ओल्ड है क्लास यहाँ पे ए और बी का वो कितना क्लास आएगा वन बाई सिक्स और टू बाई सिक्स ऐसे में आएगा क्लास बारह चारतीय बारह छह दोनी बारह यह आएगा वन बाई ट्वेल्व ये भी बारह आएगा चारतीय बारह छोनी बारह फाइव बाई ट्वेल्व राइट डन यहाँ तक समझ आ गया क्लास यहाँ पे फाइव बाई ट्वेल्व अच्छा तो अब जरा मुझे बताओ क्लास यहाँ पे फाइव बाई ट्वेल्व आ गया अब एंट्री क्या करेंगे क्लास रिमेनिंग टू रिटायरिंग तो रिमेनिंग कौन है ए बी रिटायरिंग कौन है सी सी को कितना गुडविल देना है तीस हज़ार और गेनिंग रेशियो आया है आपका कितना न्यू माइनस ओल्ड करने के बाद वन रेशियो फाइव तो वन बाई सिक्स और फाइव बाई सिक्स ये आएगा छः से डिवाइड दो तीस हज़ार को पाँच पाँच इंटू एक पाँच हज़ार पाँच इंटू पाँच पच्चीस हज़ार पच्चीस पांच तीस और तीस तो गेनिंग रेशियो में हमने गुडविल को इजीली एडजस्ट कर लिया बात समझ आई कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज यहां तक बता देना हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव पूरी तरीके से खत्म हो गया या क्वेश्चन फाइव हमारा डन ओके तो यानी कि जो भी हम टोटल दे रहे हैं उसमें से जो इसका एग्जैक्ट शेयर है ऑलरेडी माइनस कर दो तो जो बचा है ऑब्वियसली वो गुडविल का है और किस चीज का होगा ऑब्वियसली जो है वो किसका है क्लास गुडविल का हो गया अब एक सवाल क्वेश्चन में आता है क्लास की अगर गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं अगर आप गेनिंग रेशियो निकालते हो और आपका गेनिंग रेशियो माइनस में आ जाता है फिर आप क्या करोगे इफ गेनिंग रेशियो इज नेगेटिव अगर किसी पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस में आ जाता है ध्यान समझना पी क्यू आर एस पार्टनर्स हैं इनकी रेशियो है इतनी 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 एस रिटायर हो गया तो पी क्यू आर बच्चा एस रिटायर हो गया और एस रिटायर होने के बाद लिखा है गुडविल ऑन एस रिटायरमेंट गुडविल ऑफ फर्म लाइन ढंग से पूरे फॉर्म की गुडविल है और न्यू रेशियो है पांच तीन आठ दो दस ओल्ड है पांच गया इसका आएगा माइनस वन बाई टेन तीन में से तीन गया जीरो और तीन में से एक गया तो आएगा टू बाई टेन तीन में से एक गया दो चार में से पांच गया तो माइनस एक तो यानी कि ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है अच्छा ये क्या लिखा है गेनिंग अगर गेनिंग रेशियो में किसी पार्टनर का नेगेटिव आ गया तो राइट देखो अगर मैं बोलूं पी कि कितना गेन कर रहा है माइनस वन बाई टेन तो माइनस वन बाई टेन गेन कर रहा है सेक्रीफाइस तो कर रहा है आर कितना गेन कर रहा है क्लास आर गेन कर रहा है फाइव बाई टेन आर गेन कर रहा है कितना फाइव बाई टेन तो इसका सॉरी टू बाई टेन तो इसका मतलब तो ये गेन ही कर रहा है इसका जीरो आ गया इधर गेन नॉट सेक्रीफाइस तो अब हम करेंगे क्या सबसे पहला स्टेप हमारा मुझे बताओ क्या था सबसे पहला स्टेप था पूरे फॉर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना बच्चों बताओ पूरे फॉर्म की गुडविल तुम्हें ऑलरेडी दे रखी है चार लाख बीस हजार जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा निकाल लो एस का हिस्सा कितना आएगा पूरे फॉर्म की है चार बीस पी क्यू आर एस एस का है कितना वन बाई टेन एस आ गया बयालीस हजार फोर्टी टू थाउजेंड एस को मिलेगा नॉर्मली हम एंट्री के, अभी तक मैं कोई भी चेंज नहीं करा रहा सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ऐसा ही सारी चीज बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं अभी तक हम एंट्री क्या करते हैं रिमेनिंग टू रिटायरिंग ऐसा मिलता है बयालीस हज़ार अभी तक हम ये एंट्री पास करते हैं रिमेनिंग टू रिटायरिंग अब यहाँ पे दोनों बातें अगर किसी का पार्टनर गेनिंग रेशियो जीरो आ गया फिर तो उसको नाम ही नहीं आएगा भैया गेनिंग रेशियो जीरो आ गया इसका मतलब और गेन ही नहीं कर रहा सेक्रीफाइस नहीं कर रहा नाम लिखोगे भी फिगर जीरो आएगा तो क्या लिखना तो भी उसका नाम हटा दो तो यहाँ से आप क्या सीखे पहली बात कि जिस पार्टनर का गेनिंग रेशियो जीरो आता है उसका नाम ही नहीं आएगा यहाँ पे ओके समझ गया अब जिसका नेगेटिव आ रहा है उसकी साइड को चेंज कर दो बस इतना ध्यान रखना था तुम्हें जिसका नेगेटिव आ रहा है उसका साइड चेंज कर दो पहले वो ऊपर था उसको उठा के नीचे लिया है। अगर वो नीचे रहा होता तो उसको ऊपर ले जाते ओके तो ऊपर था तो नीचे लिया है। ओके सर तो कितना है पी का हिस्सा वन टेन। आर का टू टेन। कुछ बच्चे बोलते सर, इसको वन रेशियो टू बना ले ना कभी नहीं दोनों प्लस होता तो आप रेशियो बना सकते थे प्लस माइनस है आप रेशियो नहीं बना सकते तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा नीचे टेन टेन अगर आपने यहां पूरा लिखा है तो मल्टीप्लाई भी पूरे फॉर्म की गुडविल से करोगे जो कि चार लाख बीस हजार है आप अगर नीचे पूरा लिख रहे हो तो मल्टीप्लाई भी पूरे फॉर्म की गूडल से करोगे जो कि चार लाख बीस हज़ार है सॉल्व करेंगे फोर्टी टू थाउजेंड या आएगा एट्टी फोर तो ये एक एंट्री पास हो गई क्लास रिमेनिंग यानी आर डेबिट टू एस टू बी रिमेनिंग टू रिटायरिंग किस रेशियो में क्लास हो ये होगा गेनिंग रेशियो में हमने एंट्री कर दी तो पहला स्टेप अगर गेनिंग रेशियो माइनस में हुआ जीरो हुआ तो नाम ही नहीं आएगा माइनस में हुआ साइड को चेंज कर देना ध्यान से कमेंट सेक्शन में लिखो सो so दैट तुम हमेशा याद रखो कमेंट में लिख दोगे हमेशा याद रहेगा हाँ सर के कमेंट में लिखा था गेनिंग रेशियो माइनस में आया साइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई पूरे फॉर्म की गुडविल से करेंगे रेशियो नहीं लेंगे पूरा शेयर लेंगे Re ये शेयर भी पूरा और ये पूरा पूरे फॉर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करेंगे और साइड चेंज कर देंगे जिसका गेनिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है एडमिशन में भी कुछ ऐसा ही था राइट right? उम्मीद है क्लास यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अब हम चले हैं क्लास फुल फ्लेज क्वेश्चन पे कि फुल फ्लेज क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है

तुमको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए इससे निकलेगा रीवेल्यूशन गेन या रिवैल्यूशन लॉस ये तुमने एडमिशन में भी किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी किया था सेम है कुछ भी अलग नहीं है दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उसमें दो चीजों का ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम जो चीजें क्लास बट जाता है जी आर पी एन एल डब्ल्यू सी आर आई एफ आर गुडविल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और पी का डेबिट बैलेंस वो चीज तुम्हें पता होना चाहिए क्लास बांटने वाला आइटम क्या क्या है इसके अलावा गुडविल का ट्रीटमेंट रिमेनिंग टू रिटायरिंग ठीक है जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम्हें क्लास ये एक रिवेल्यूशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूबल आइटम और गुडविल अगर तुम्हें इन तीनों का ट्रीटमेंट पता है तो रीवैल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स के अकाउंट बन जाएगा अब बात करते हैं बैलेंस शीट की तो जब भी हम बैलेंस बनाएंगे हमें दो चीजें चाहिए पहला ओल्ड बैलेंस शीट की पहले बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी पहले पहले मशीन की वैल्यू कितनी थी फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी वो जानने के लिए और दूसरा क्लास अकाउंट कि कितना बढ़ा है बिल्डिंग में कितना घटा है तो अगर मैं तुमसे कहूं तुम तीन चीजों को परफेक्ट कर लो रिवैल्यूशन अकाउंट डिस्ट्रीबल आइटम के नाम और गुडल की एंट्री तो रिमेनिंग टू टूटारिंग इन गेनिंग रेशियो है ही तो तुम्हारा पक्की बात है आराम से तुम्हारा फुल फ्लेज क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में बैलेंस शीट की संभावना बहुत कम है बट मैं कराऊंगा आपको आप अच्छे से सीख सको, right? तो partners, capital account, और balance sheet, हम पूरा का पूरा का देखेंगे, लेकिन adjustment of capital के साथ, क्योंकि इस साल adjustment of capital आपके syllabus में है अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं हो तो मैं नहीं कराता बट ये इंपॉर्टेंट है और हर साल पहले इससे क्वेश्चन आता था तो हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में जैसे एडमिशन में था वैसे ही इसमें पुराने पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे और इसके दो केसेस इसके अंदर भी है हालांकि केस टू के भी दो पार्ट है जो हम सारा का सारा आज वन शॉट में डिस्कस कर लेंगे तो सबसे पहले केस वन हियर न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन ध्यान रखना अगर नए फर्म की कैपिटल तुमको दे रखी है तो स्टेप वन डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो तुम्हें नए फॉर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट देनी किस में नई रेशियो में नई रेशियो दो की होगी पुराने पार्टनर तीन थे एक चला गया छोड़ के तो नई रेशियो दो की होगी नई रेशियो में बांटोगे यही आएगा टू बैलेंस सी अच्छा आप पहले टू बैलेंस सी कैसे निकालते थे क्रेडिट साइड को जोड़ते थे डेबिट साइड का सारा आइटम घटाते थे और टू बैलेंस सीडी निकालते थे बट अब तुम टू बैलेंस सीडी कैसे निकालो क्लास सीधा नए फॉर्म क्या दे रखिये अभी हम क्वेश्चन करेंगे नई रेशम बांट दो वही टू बैलेंस सीडी फिर क्या करोगे क्लास स्टेप टू बैलेंसिंग फिगर फिर आप करोगे बैलेंसिंग यानी कि आप आपने टू बैलेंस सी डी ऐसे ही लिख दिया सारा क्वेश्चन करने के बाद अब आप देखोगे कौन सी साइड बड़ी है बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश या बैंक और करेंट अकाउंट एज द केस में बी तो बैलेंसिंग फिगर एज द केस में बी तो बैलेंसिंग फिगर क्लास हम लोग क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं कैश और बैंक या करंट अकाउंट यानी बैलेंसिंग फिगर कैश कैश के नाम से भी आ सकता है और करंट अकाउंट के नाम से भी आ सकता है एस द केस में भी केस चाहे जैसा भी हो मेरी बात समझना बस ये दो स्टेप खत्म नए फॉर्म की कैपिटल दे रखी है नई ही रेशियो में बांटना है वही टू बैलेंस बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाय कैश या फिर करंट अकाउंट कुछ किसी में भी जा सकता है क्वेश्चन कहेगा करंट अकाउंट करंट में क्वेश्चन कहेगा कैश या बैंक जो भी एक ही बात है इसे कैश बैंक एक ही मानो तो या तो ये या तो ये दो में से एक केस बनेगा अभी हम क्वेश्चन बना के देखते हैं हम तीन नंबर के क्वेश्चन को भी देखेंगे और हम छह नंबर वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे तो यह तीन नंबर क्वेश्चन

दो लाख दस हजार को चार से डिवाइड़ दोगे बावन पांच सौ इसको इंटू थ्री कर दो यह वन फिफ्टी सेवन हमने क्या किया नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दिया नए फर्म की कैपिटल को हमने नई रेशियो में बांट दिया अब यहां पर कुछ एक्चुअल कैपिटल भी है मतलब एक्स की न्यू कैपिटल कितनी सोच रहा है वन लाख फिफ्टी सेवन लेकिन है कितनी वन लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड भाई एक्स की नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए वन फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड है कितनी वन फोर्टी फाइव इसका मतलब एक्स कुछ पैसे लेकर आएगा ब्रिंग बाई एक्स ध्यान रखना ब्रिंग बाई एक्स और अगर एक्स लेके आएगा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट बारह पाँच सौ मतलब एक्स सोच रहा था कि जो मेरी नई कैपिटल होगी वो होगी वन लाख फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये कैसे आया नए फॉर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दिया ये वो क्वेश्चन है जहां पे ना रिवेलूशन बनाना है ना कैपिटल अकाउंट कुछ भी नहीं करना सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट करना है ये आ चुका क्वेश्चन है पेपर में तो हल्के मत लेना इसको इसकी कितनी सिक्सटी थ्री अच्छा इसने सोचा था मेरी कैपिटल होनी चाहिए फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड और है कितनी इसकी सिक्सटी थ्री तो ये दस हजार पाँच सौ रुपये घर ले जाएगा विदड्रॉ करेगा ये पैसा विड्रॉ करेगा ला रहा था तो बैंक टू कैपिटल ले जाएगा तो कैपिटल टू बैंक जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना है क्लास दस हजार पांच सौ, दस हजार पांच सौ। ये हो गया क्लास आपका Uh, सारा का सारा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन अच्छे से डन हो गया ठीक है तो इस तरीके से हमें एडजस्टमेंट करना होता है कि कौन कितना पैसा लेके आ रहा है कौन कितना पैसा लेके जा रहा है तो देखो अगर आप अपनी कैपिटल को एडजस्ट करोगे कि नहीं यार वैसा होना चाहिए तो कुछ कम बढ़ती हो सकता है कम है तो लेके आना पड़ेगा ज्यादा है तो लेके जाना पड़ेगा अब तुमसे क्वेश्चन में एंट्री मांग रहा था तो तुमने एंट्री दिखा दिया अदरवाइज तुमसे बोलता कि हाउ मच अमाउंट ब्रिंग और विड्रॉन तो इस तरीके से हम कर देते ओके तो ये हो गया क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अब चलते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन जहां पे रीवल्यूशन और कैपिटल अकाउंट भी बनेगा साथ में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी होगा राइट अगर क्वेश्चन में एक पॉइंट आप पढ़ते हो उसको पढ़ के समझ आता है क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है अगर वो पॉइंट नहीं होगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाओगे जैसे ये देखो लीजा मोनिका निशा इनकी रेशियो टू टू वन इनकी बैलेंस शीट में बांटने वाला कोई भी आइटम मुझे नहीं दिख रहा है ये नहीं बटता ध्यान रखना आप गलती से इसे बांट देते हो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बटता ये आपको दे रखा है अच्छा आप लिखा है थर्टी फर्स्ट मार्च उन्नीस को मोनिका रिटायर हो गई है और क्लास ये सारे पॉइंट्स आपको दे रखें इसमें मुझे एक ये पॉइंट दिख रहा है जिसकी वजह से मैं समझ गया कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस है द टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म इज फिक्स 27 लाख टोटल कैपिटल 27 लाख दे रखी है विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ न्यू रेशियो लिजा और निशा फॉर द पर्पज करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स वर्ड टू बी ओपन तो बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में जाएगा ऐसा क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर रिवोल्यूशन कैपिटल अकाउंट छह नंबर का है इसलिए बैलेंस शीट नहीं मांगा रिवोल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट मांगा है पहले क्वेश्चन आठ नंबर में आते थे तो बैलेंस शीट मांगता था अभी आठ नंबर में नहीं तो ये दो चीज मांगेगा तो so, हमें क्लास इसका बनाना है तो so, मैंने आपसे कहा था कि आपको इसमें जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है मोनिका तो so, ये मोनिका जा रही है तो टू रेशियो वन जो है वही आपका न्यू रेशियो है टू रेशियो वन टू बाई थ्री वन बाई थ्री तो अठारह लाख नौ लाख ये आ गया नए फॉर्म की कैपिटल को आपने नई रेशियो में बांटा लाख नौ लाख आपका आ गया वही टू बैलेंस सीडी अगर आप आंसर चेक करोगे बुक में तो अठारह लाख नौ लाख आ रहा होगा अब हम बैलेंसिंग फिगर जो लिखेंगे वो करंट अकाउंट में लिखेंगे मैं तुम्हें तो बताऊंगा अगर बैलेंसिंग फिगर करंट में नहीं होता कैश में होता तो भी हम किस तरीके से इस काम को करते चलो तो सबसे पहला काम हम देख लेते हैं पार्टनर कौन कौन है लीजा मोनिका निशा और इस हिसाब से पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाते हैं लीजा मोनिका निशा रेशियो है टू टू वन टू बाई फाइव ये जो है पार्टनर रिटायर हो रही है तो इनका जो न्यू रेशियो है न्यू रेशियो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सिंपल है टू रेशियो वन यही न्यू रेशियो है और वही गेनिंग रेशियो है राइट right? तो हमने देखो रिवैल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया तुम भी फटाफट -फड़ बना लो बनाओ देखो मजा नहीं आएगा अगर बनाओगे नहीं लीजा मोनिका ये देखने की चीज ही नहीं कि बैठ के आराम से देख रहे होती है और ये सब्जेक्ट नहीं है प्रैक्टिकल है तो तुम्हें बनाना पड़ेगा तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है लेज़ा मोनिका निशा ओके डन है क्लास यहाँ तक हो गया सारा का सारा रिवॉल्यूशन अकाउंट आपने डन कर दिया है चलो अच्छा अब इसके बाद आगे देखते हैं जरा ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये हो गया रिवॉल अकाउंट हमने पूरा फॉर्मेट बना लिया सबसे पहला काम होता है क्लास गुडविल का ट्रीटमेंट अब चेक करो इस क्वेश्चन में कहीं कही ना कहीं पूरे फॉर्म की गुडविल दे रखी होगी पक्की बात गुडविल ऑफ द इज वैल्यूड तीन लाख पूरे फॉर्म की तीन लाख ,00 दे रखी है ठीक है हम एक काम करते हैं सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं पूरे फॉर्म की जो गुडविल है पूरे फॉर्म की गुडविल वो तीन लाख ,00 है निशा का शेयर मोनिका का शेयर निकालो मोनिका का जो शेयर आएगा वो आएगा तीन लाख इन टू टू बाई फाइव फाइव सिक्स जै थर्टी छुनी बारह एक लाख बीस हज़ार क्लास जो गुडविल है ये मोनिका का हिस्सा है एक लाख बीस हज़ार और इसकी एंट्री होगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग रिमेनिंग है एल एन रिटायरिंग है मोनिका तो मोनिका को कितना मिलेगा एक लाख बीस हज़ार मोनिका को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा क्लास एक लाख बीस हज़ार अभी टू बाई थ्री वन बाई थ्री है टू बाई थ्री वन बाई थ्री तीन अस्सी और चालीस यह आएगा 80 और 40 ये इस तरीके से क्लास आपका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट पूरी की पूरी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी तो मैं क्वेश्चन शुरू होते ही हर क्वेश्चन में ये काम करना ही करना है ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो गुडविल पूरे फॉर्म की उसका हिस्सा निकालो एंट्री पास कर दो एल में एन में टू एम एल में और एन में टू एम कैपिटल अकाउंट एल में और एन में टू एम कैपिटल अकाउंट एम में आएगा बाई एल बाई एन एम में आएगा एम में बाई एल बाई एन ठीक है तो ये हो गई गुडल की एंट्री मतलब एम को मिल गया एक लाख बीस हज़ार और एल और एन से कट गया अस्सी और चालीस हजार रुपये ये हो गए गुडविल के ट्रीटमेंट सबसे पहला काम तुमको ये करना है फिर जो दूसरा काम देखो हम सबसे पहले ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गुडविल की एंट्री करते हैं पोस्टिंग करते हैं फिर हम एडिशनल पॉइंट पढ़ेंगे लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई टू लाख फोर्टी थाउजेंड लो लैंड बिल्डिंग दो लाख चालीस हजार से बढ़ गया तो ये रहा क्लास रीवल्यूशन अकाउंट इसमें फ़ायदा हो गया बाई लैंड एंड बिल्डिंग

मशीन का जो 10 परसेंट आएगा वो आएगा एक लाख बीस हज़ार ठीक है तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया दो चालीस से मशीन घट गया एक बीस से डन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बाद स्टॉक जो है वो रिटायरिंग पार्टनर बुक वैल्यू पे ले रहा है स्टॉक कितने का है दस लाख दस लाख का स्टॉक है और रिटायरिंग पार्टनर ले रहा है देखो कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को लेगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में टू असेट लिख देंगे दस लाख का स्टॉक है पाँच लाख का ले लिया उसने तो एम में टू स्टॉक है ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट हम एंट्री पास करते हैं एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक क्योंकि तो उसने आधा स्टॉक ले लिया है जो कि दस लाख का था आधा बुक वैल्यू पर ले लिया कुछ बड़ा घाटा कुछ नहीं बड़ा घाटा होता तो रीवैल्युएशन में भेजते ट्रेटर पे पाँच परसेंट का प्रोविजन बनेगा टेटर कितने दे रहे है क्लास यहाँ पे चार लाख चार लाख का पाँच परसेंट कितना बनता है क्लास पाँच चार लाख का दस परसेंट चालीस तो पाँच परसेंट बनेगा बीस हजार ठीक है तो ट्वेंटी थाउजेंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ठीक है अच्छा नेक्स्ट हो गया इसके बाद गुडविल वाला पॉइंट हम कर चुके हैं लास्ट पॉइंट क्या सत्ताईस लाख दे रखा है अठारह नौ तो देखो अभी जो कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है ना मैं इस ब्लू पेन से कर रहा हूँ जरा मैं देखो टू बैलेंस सीडी नए फॉर्म कैपिटल ट्वेंटी सेवन लाख है नई रेशियो में बांटो जो कि टू रेशियो वन है तो अठारह लाख और नौ लाख अठारह लाख और नौ लाख नए फॉर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दो वही टू बैलेंस सीडी आ गया अब हम बैलेंस करेंगे बैलेंसिंग फिगर इधर बचेगा तो टू करेंट इधर बचेगा तो बाई करेंट कैश अगर लिखा होता तो हम बैलेंसिंग फिगर कैश में डालते हैं तो हमने किया क्या अभी सारे एडिशनल पॉइंट को हमने पढ़ लिया अच्छे से अब हम पढ़ते हैं बैलेंस शीट को बैलेंस शीट में बांटने वाला कोई भी आइटम नहीं है कोई भी आइटम डि जी आर पी एन एल डब्ल्यू सी आर आई फॉर गुड विल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ऐसा कुछ भी नहीं है तो चौदह लाख अच्छा ये कितना बनेगा अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस इकतीस हाँ ये चौदह लाख है ना एक जीरो एक जीरो यहाँ पे और है ठीक है तो चौदह लाख चौदह लाख तीन लाख साठ हजार है ना तो कैपिटल अकाउंट डालो चौदह लाख चौदह लाख तीन लाख साठ हजार चौदह लाख फोर्टीन लाख थ्री सिक्सटी और ये आ गया टू बैलेंस डी सॉरी बाई बी डी बाई बी डी देखो ट्रीटमेंट हो गया आइटम है ही नहीं अब का गेन लॉस लिख लो रिवेल्यूशन की टोटलिंग करो ये हो गया दो चालीस टू फोर्टी टू फोर्टी एक लाख चालीस एक लाख आ गया, गया मेरा आंसर एक लाख का जो आंसर आएगा उसको लिखोगे टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू क्योंकि कैपिटल अकाउंट है कैपिटल अकाउंट ऑफ लीजा मोनिका निशा रेशियो जो है इसकी टू टू वन है पाँच से डिवाइड देंगे इसको पाँच से डिवाइड दो क्लास बीस बीस इंटू दो चालीस बीस इंटू दो चालीस बीस इंटू एक बीस और इसको ट्रांसफर कर दो क्लास कहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ऑब्वियसली बाई रिवोल्यूशन गेन बाई रिवल्यूशन गेन चालीस फोर्टी टू टू वन में आपने बांट दिया फोर्टी फोर्टी ट्वेंटी ठीक है तो इस तरीके से आपका पूरी तरीके से पार्टनर्स के अपल अकाउंट हमारा डन हो गया अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे सबसे पहले जो छोड़ के जा रहा है उसकी टोटलिंग करो तो जो पार्टनर सबसे पहले छोड़ के जा रहा है वो है एम तो आप इसकी टोटलिंग करो जो छोड़ के जा रहा है तो ये आएगा कितना फोर्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड और ये देख लेते हैं एक और जोड़ के एग्जैक्टली exactly कितना आ रहा है फोर्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड और प्लस ये 120 ट्वेंटी एटी फोर्टी फिफ्टीन लाख सिक्सटी थाउजेंड पंद्रह लाख साठ हजार पंद्रह लाख साठ हजार पाँच घटा दोगे टेन लाख पाँच का स्टॉक ले गया ना तो टेन लाख सिक्सटी थाउजेंड जो आएगा ये एम्स लोन आएगा रिटायरमेंट में हम अगर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होता ना एक स्टेप नहीं होता बस बाकी सारा क्वेश्चन सेम होता नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है बट मैंने तुमसे कहा ना अगर लिख से लिखा रहेगा कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं तो आप ऐसा करोगे नेक्स्ट इसका इसका थ्री सिक्सटी प्लस ट्वेंटी थ्री एटी सॉरी थ्री एट्टी अच्छा ये साइड बड़ी है ना ये नौ लाख ,00 है नाइन फोर्टी ये साइड बड़ी है क्लास नाइन फोर्टी ये साइड बड़ी है नाइन फोर्टी नाइन लाख फोर्टी थाउजेंड माइनस थ्री एट्टी माइनस थ्री एट्टी ये फाइव सिक्सटी तो ये जो पाँच लाख साठ हज़ार है ना अगर बैलेंसिंग फिगर बोलता कैश है तो मैं कैश में लिखता क्वेश्चन बोलेगा बैलेंसिंग फिगर करेंट अकाउंट में जाएगा तो बैलेंसिंग फिगर हम करेंट अकाउंट में डाल देंगे सिंपल ठीक है एंडस करेंट अकाउंट और ये करंट अकाउंट बैलेंस शीट की सेम साइड चला जाता है और कैश अगर इधर होता ना तो मतलब पार्टनर घर से लेके आएगा पैसा इधर कैश है तो पार्टनर लेके जाएगा ये साइड भी देखो काफ़ी बड़ी है अठारह लाख अस्सी हज़ार तो ये भी पार्टनर लेके आएगा अठारह ले लाख अस्सी हज़ार ये आएगा अट्ठारह लाख अस्सी हज़ार अट्ठारह लाख अस्सी हज़ार एटीन लाख एटी थाउजेंड आप भी बनाना क्लास में भी कुछ मिस्टेक हो जाए मेरे से क्योंकि देखो ये क्लास लाइव रिकॉर्डेड है तो कुछ मिस्टेक होता है तो करते ही चले जाते हैं पता नहीं चलता चार लाख चालीस हज़ार चौदह चालीस अठारह अस्सी चार लाख मतलब कि ये जो चार लाख चालीस हज़ार आएगा ना ये किसके करंट अकाउंट में आएगा भाई एल करंट अकाउंट तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो चला गया क्लास करंट अकाउंट में जो छोड़ के जा रहा है एम उसको तो आपने सारा बैलेंस उसका लोन में डाल दिया क्वेश्चन कहता है इसे थोड़ा बहुत पैसा दे दिया बाकी सारा लोन में डाल दिया तो टू कैश करके इसे मान लो क्वेश्चन कहता सिक्सटी थाउजेंड तुरंत दे दो टू कैश करके सिक्सटी दे देते बाकी टेन लाख लोन में डाल देते उसका बट क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं कहा तो सारा का सारा पैसा लोन में अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सवाल सर लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे तो मैं लास्ट में बताऊँगा डोंट वरी उसको भी करवाऊंगा एट द एंड लास्ट में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास अगला केस देखते हैं केस नंबर टू हियर न्यू फॉर्म कैपिटल इज नॉट गिवन तुम्हें यहां पे नए फॉर्म कैपिटल गिवन नहीं है सिंपल सीधी बात ये केस वन जैसा है एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है केस केस में नए कैपिटल गिवन है उसको नई रेशियो में बांटते हो वही टू बैलेंस सीडी है बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश है टू करेंट बाई करेंट यही होता है यहां भी सेम वैसे ही है हियर न्यू फॉर्म कैपिटल इज नॉट गिवन स्टेप वन कैलकुलेट न्यू फॉर्म कैपिटल कैलकुलेट न्यू फॉर्म कैपिटल न्यू फॉर्म की कैपिटल तुम्हें गिवन नहीं है ना तुम नई फॉर्म कैपिटल निकाल लो तुम्हारे पास नए फॉर्म कैपिटल गिवन नहीं है तो तुम नए फॉर्म कैपिटल निकाल लो कैसे निकालोगे नए फॉर्म कैपिटल टू तुम पूरा क्वेश्चन नॉर्मल करोगे टू बैलेंस डी ए का प्लस टू बैलेंस डी सी का ए और सी कौन से पार्टनर्स हैं क्लास ए और सी रिमेनिंग पार्टनर्स जो हमेशा ए और सी होगा जो पार्टनर बच गए जो रिटायर हो गया उसको छोड़कर लाइक like, अगर बी रिटायर हो गया तो ए सी सी रिटायर हो गया तो ए बी ए रिटायर हो गया तो बी सी तो जो भी रिमेनिंग पार्टनर हैं जो भी रिमेनिंग पार्टनर है उन दोनों का क्लोजिंग बैलेंस आप जोड़ लो तो यही आ जाएगा न्यू फॉर्म कैपिटल मतलब पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करो रिवॉल्यूशन सब कुछ नॉर्मल तरीके से करो बस दोनों की सीडी को जोड़ लो रिमेनिंग पार्टनर का जो भी आएगा वही आ गया न्यू फॉर्म कैपिटल हो गया स्टेप टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो नए फॉर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटोगे तो यही आएगा आपका टू बैलेंस सीडी अब बच्चे कंफ्यूज सर आपने तो ऊपर बोला था टू देखो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है रफ में ऐड करोगे मैं, करो मैं तुम्हें तो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा रफ में ऐड करोगे रफ में ऐड करोगे लेकिन कैपिटल अकाउंट में जो लिखोगे वो ई सी डी आएगा फिर स्टेप थ्री बैलेंसिंग फिगर इसमें पूरा बैलेंसिंग फिगर आएगा हर जगह बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू थ्रू कैश और करंट अकाउंट एज केस मे बी तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो कैश और करंट अकाउंट में आ जाएगा एज द केस मे बी तो ये तीन स्टेप आपको ध्यान रखना है कंप्लीटली स्टेप वन स्टेप टू और स्टेप थ्री एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर सेकंड अगर नए फॉर्म कैपिटल गिवन नहीं है तो आपने दोनों के बैलेंस को जोड़ के नए फॉर्म कैपिटल निकालना है दोनों का सी डी नॉट बी डी सी डी फिर रेशम बांटो वही टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर कैश या करंट अकाउंट जैसा भी केस होगा अब हम इस चीज को इसे लिख लेना वीडियो पॉज करके इस चीज को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से देखते हैं ओके okay? <coughs> चलो <coughs> जरा क्वेश्चन पूरा बनाते हैं अमित बलन और चंदर ये तीन पार्टनर्स हैं इनकी जो रेशियो है वो वह बाई ट्री वन बाई सिक्स मैं इसे ठीक करूं तो वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई सिक्स है अगर मैं इसको थ्री थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँ तो थ्री बाई सिक्स हो जाएगा इसको टू टू से करूँ टू बाई सिक्स तो रेशियो अल्टीमेटली आ गया टू रेशियो वन यहाँ पर प्रोविडेंट फंड है यहाँ पर ये चीज़ बढ़ जाएगा जी आर इस साइड ये तीनों कैपिटल दे रखा है यहाँ पर कुछ बांटने के लिए है नहीं आगे लिखा है क्लास इट वॉज अगर गुडविल की वैल्यू दे देखिए ये बाकी पॉइंट्स आपको दे रखें इसमें कहीं भी नई रेशियो का कोई जिक्र नहीं है तो जो छोड़ के जा रहा है वो कौन है क्लास यहाँ पे यहीं पे लिखा था क्या चंदर रिटायर सी जा रहा है तो यही थ्री रेशियो टू जो है यही न्यू रेशियो हो जाएगा पार्टनर का और यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा ये जो थ्री रेशियो टू है यही न्यू रेशियो हो जाएगा क्लास और यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा अच्छा इसके बाद अमित बलन जो है वो डिसाइड करते हैं एडजस्ट देखो ये लाइन ये लाइन पढ़ के तुम्हें समझ आया कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है और केस टू का है ये लाइन पढ़ के समझ आया तुम्हें कैसे अमित एंड बलन डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रपोशन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाई ओपनिंग करेंट अकाउंट तो बैलेंसिंग फिगर किस में आएगा करंट अकाउंट में आएगा कैश बोल ही नहीं रहा कैश बोलेगा तो बाई कैश टू कैश करंट अकाउंट बोलेगा तो टू करंट बाई करेंट यही तो फर्क है तो ये केस टू है सर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है क्योंकि लाइन लिखी गई है और नए फॉर्म कैपिटल गिवन नहीं है इसलिए ये केस टू है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन चंदर्स रिटायरमेंट तो पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं क्लास अमित बलन चंदर तो ये है क्लास आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट अमित बलन चंदर रेशियो है थ्री टू वन थ्री बाई सिक्स टू बाई सिक्स वन बाई सिक्स ये रिटायर हो रहा है ओके okay? ये पूरा रिवोल्यूशन अकाउंट हो गया आप वीडियो पॉज करके आराम से रिवेल्यूशन कैपिटल अकाउंट सब बनाओ पर्टिकुलर्स अमित बलन चंदर पर्टिकुलर्स अमित बलन और चंदर मैं तुम्हें बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा लास्ट में बना के अभी तो क्लास इसमें मांगा नहीं है लास्ट में मैं दिखाऊंगा पूरे फॉर्म की जो गुडविल है वो तुम्हें दे रखी है देखो कितनी है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ट्वेंटी सेवन थाउजेंड चंदर छोड़ के जा रहा है तो चंदर का जो हिस्सा है वो है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड इंटू वन बाई सिक्स देख लेते हैं कितना आता है छः से डिवाइड दे के ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ये आगे फोर्टी फाइव हंड्रेड कुल ये किसकी गुडविल है पूरे फॉर्म की है ना गुडविल पूरे फॉर्म की है चंदर का नहीं लिखा हुआ है कहीं भी तो इसकी एंट्री क्या होगी रिमेनिंग तो ये रफ में करना है क्योंकि ये हमें समझने के लिए करना है या आप कर भी दोगे ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा ये जो काम कर रहे हो रेशियो तो लिख देना अंडरस्टैंडिंग के लिए तो गेनिंग रेशियो थ्री बाई फाइव टू बाई फाइव है ट्वेंटी सेवन हंड्रेड और एटीन हंड्रेड हर एक क्वेश्चन में तुम्हें हर एक क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो को इस तरीके से पहले लिख लेना है और एंट्री पास करनी है ए बी टू सी तो ए में बी में क्या लिखोगे टू सी कैपिटल अकाउंट ए में और बी में ट्वेंटी सेवन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन हंड्रेड एटीन हंड्रेड और सी में लिखोगे बाई ए बाई बी सी में लिखोगे बाई ए बाई बी ट्वेंटी सेवन हंड्रेड और एटीन हंड्रेड ठीक है तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा गुडविल का ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ठीक है नेक्स्ट अगला पॉइंट मैं आपसे क्या कहा था पहला गुडविल फिर सारे पॉइंट मशीन पे दस परसेंट का डिप्रिशिएशन है तो आप देखो मशीन कहाँ पे है फोर्टी एट थाउजेंड दस परसेंट बनेगा चार हजार आठ सौ मशीन पे डप्रीशियशन है टू मशीनरी फोर्टी एट थाउजेंड की मशीनरी थी टेन परसेंट बनेगा फोर्टी एट हंड्रेड नेक्स्ट पॉइंट पेटेंट्स रिड्यूस बाई ट्वेंटी तो देखो पेटेंट्स कितने के हैं पाँच के हैं ट्वेंटी परसेंट से कम हो गया पाँच हज़ार का ट्वेंटी परसेंट कितना आएगा हजार ओनली टू पेटेंट्स टू पेटेंट्स ठीक है नेक्स्ट इसके बाद एन ओल्ड कॉपियर फोटो कापियर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ सोल्ड फॉर छः ओल्ड कॉपियर आपने बेच दिया भाई सेल ऑफ ओल्ड फोटो कापियर कोई फोटो कापी को मशीन थी पुरानी आपके लिए स्क्रैप था वो आपने छ का बेच दिया ठीक है अगला चंदर ने इन्वेस्टमेंट ले लिया मैंने कहा था कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करता है पंद्रह आठ सौ में लिया है <coughs> यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दस हजार का था पिछली क्वेश्चन में बुक वैल्यू में लिया था इसमें दस हजार की इन्वेस्टमेंट को पंद्रह आठ सौ में लिया है तो पंद्रह आठ सौ में तो लिया है पर पाँच आठ सौ का फायदा भी तो हो गया ना फिर बाई इन्वेस्टमेंट्स बाई इन्वेस्टमेंट्स पाँच आठ सौ का फायदा हो गया रिवोल्यूशन में क्रेडिट और पार्टनर ने पंद्रह आठ सौ का लिया है तो चंदर में दिखा दो पंद्रह हजार आठ सौ किस नाम से आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट्स के नाम से टू <coughs> इन्वेस्टमेंट्स आपका आ गया पंद्रह हजार आठ सौ ओके कोई दिक्कत परेशानी पंद्रह हजार आठ सौ यह हो गया पूरा तो अगर आप देखोगे तो हमने हर एक पॉइंट का यहाँ पे ट्रीटमेंट कर लिया एवरी पॉइंट का हमने ट्रीटमेंट कर लिया <coughs> अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे पास सिर्फ जनरल रिजर्व है नौ हजार का मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा बाईस जनरल रिजर्व नौ हजार का है थ्री टू वन से अगर मैं बा टू नौ हजार को सिक्स से डिवाइड देंगे पंद्रह सौ फोर्टी फाइव हंड्रेड तीन हजार और पंद्रह सौ नौ हजार को हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और कुछ भी नहीं है अब हम री की टोटलिंग लगाएंगे सबसे पहला काम रीवेल्यूशन की टोटलिंग पाँच आठ सौ प्लस ये सिक्सटी फोर हंड्रेड हो गया ये भी सिक्सटी फोर हंड्रेड हो गया और पाँच आठ सौ जाएगा तो कितना बचेगा आठ सौ छः सौ छः सौ किस नाम से आएगा टू रीवैल्युएशन टू री वैल्युएशन गेन ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ अमित बलन और चंदर 600 है 300, 200, 100, 300, 200 और 100, तो इस तरीके से छ सौ रुपए थ्री टू 1 में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 300, 200 और 100. डन okay, है क्लास यहाँ तक नेक्स्ट रिवेल्यूशन हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया अच्छा इसको ट्रांसफर करो 300 सौ दो सौ सौ थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड और वन हंड्रेड बाई गेन बाई बैलेंस बी डी ओपनिंग बैलेंस भी लिखोगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस फोर्टी थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फोर्टी थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड और ट्वेंटी थाउजेंड तो ये हमने पूरा का पूरा कर लिया मैंने आपसे कहा था तीन चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो तीनों चीज़ें आपको मिल गई रिवॉल्यूशन गेन लॉस हो गया गुल की एंट्री हो गई बांटने वाले आइटम्स हो गए बस खत्म और कुछ भी नहीं है इसके अंदर पूरा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करेंगे और टू बैलेंस सीडी लिखेंगे लेकिन वर्किंग नोट में ठीक है जो छोड़ के जा रहा है ना उसका हिसाब किताब तो अभी कर दो आप बीस हजार एक सौ सो, सो, एक 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 दस ये जो छोड़ के जा रहा है ना सी डी आएगा वो टू बैलेंस सी जो है आप यहां ना लिख कर उसे वर्किंग नोट में लिखोगे <coughs> टू बैलेंस सी ऑफ अमित और बलन सॉरी <coughs> यह आएगा आपका न्यू फॉर्म कैपिटल तो सीडी निकाल लेते हैं सबसे पहले ए का देख लेते हैं चालीस हजार तीन सौ चार पाँच सौ फोर्टी फोर फोर्टी टू वन हंड्रेड ए का आ गया फोर्टी टू थाउजेंड मतलब आपको सीडी लिखना यहां नहीं है बस लिखना वर्किंग नोट में सो so दैट आप नई फॉर्म कैपिटल को निकाल सको इसका है छत्तीस पांच सौ दो सौ तीन हजार थर्टी नाइन थाउजेंड इसका आ गया थर्टी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड तो अगर मैं देखूं तो दोनों की कैपिटल को मिला के ये आ गया नई फॉर्म कैपिटल यही एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है नई फॉर्म कैपिटल है नई रेशियो में बांटो अमित और बलन में थ्री रेशियो टू इनकी नई रेशियो है थ्री बाई फाइव फोर्टी एट थाउजेंड ऑबियसली थर्टी टू थाउजेंड तो हमने नए फॉर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दिया वही टू बैलेंस सी डी है यहाँ वर्किंग नोट वन लिख देते हैं फोर्टी एट थाउजेंड थर्टी टू थाउजेंड यही आपका टू बैलेंस सी डी जो वर्किंग नोट वन सा है ये है क्लास एडजस्टमेंट का केस नंबर टू जब आपको गिवन होती तो आप सीधा बांट देते गिवन नहीं था इसलिए आपने इतनी इतना एक वर्किंग नोट बनाया कि दोनों का सीडी उठाकर वर्किंग नोट में लिखा ना कि यहाँ पे अब हम फिर से टोटल करेंगे तो और हम अब बैलेंस करेंगे तो इसकी टोटलिंग आ गई पचास हज़ार सात सौ पचास हज़ार सात सौ माइनस करेंगे फोर्टी थाउजेंड तीन सौ और चार हज़ार पाँच सौ फिफ्टी नाइन हंड्रेड और ये बैलेंसिंग फिगर क्वेश्चन कह रहा है करंट में जाएगा तो करंट में डाल देना एस करंट अकाउंट और क्वेश्चन कहता कैश तो कैश में ठीक है ये एस करंट अकाउंट है ध्यान रखना एस इसमें साइड बड़ी है थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड ये आगे क्लास थर्टी नाइन सेवन हंड्रेड कितना है क्लास थर्टी नाइन सेवन हंड्रेड उसमें से घटा देंगे थर्टी टू थाउजेंड और एटीन हंड्रेड तो ये फिफ्टी नाइन हंड्रेड इधर आ गया ये आएगा टू बीस करेंट अकाउंट और ये बैलेंस शीट की सेम साइड जाएगा अगर बैलेंस शीट बनता तो ये आ गया बैलेंसिंग फिगर जो जा रहा है छोड़ के उसका तो लोन में ट्रांसफर कर दिया ये है क्लास आपका केस नंबर टू आई होप आपको समझ आ गया होगा कि केस नंबर टू कैसे बनाना है डन अब चलते हैं अपने लास्ट और सबसे अच्छे केस पे केस नंबर थ्री और फिर हम चलेंगे क्लास लोन अकाउंट के ऊपर राइट चलो तो नाइन्थ क्वेश्चन हमने बना लिया अब आते हैं केस नंबर टू का सेकेंड देखो तुम्हें पता कैसे चलेगा ये है मेरी बात सुनना ध्यान से केस नंबर वन में नए फॉर्म कैपिटल गिवन थी आप उसे नई रेशों में बांट रहे थे वही टू बैलेंस सी है बैलेंसिंग फिगर टू कैश फाइव कैश यही किया आपने केस केस में में डन नए कियापिटल गिवन नहीं थी तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका सीडी जोड़ दिया नए फॉर्म कैपिटल आ गई लेकिन केस थ्री में कैश मेंटेन तुम्हें क्वेश्चन कह देगा कि भैया जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे पैसे दे दो और कुछ कैश हमें मेंटेन रखना है अपने हाथ में कंगाल नहीं होना है कुछ पैसा मेंटेन करना है और कैपिटल प्रपोशनट मेरी बात ध्यान समझना प्लीज अपनी कॉपी में लिखो इसको मैंने पहले भी समझा रखा है डिटेल में आज वन शॉट में भी समझा रहा हूँ जब भी कैपिटल प्रपोशनट रहेगा तीनों का क्लोजिंग बैलेंस लेना है सर इसका तो सी आता है लोन आता है हाँ तो कोई बात नहीं लोन लेना है जब भी लिखा रहेगा कैपिटल प्रपोशनेट तो तुम तीनों का क्लोजिंग बैलेंस जोड़ोगे तो आएगा न्यू फॉर्म कैपिटल जब भी लिखा रहेगा कैपिटल आर इन प्रपोशनेट तो तुम तीनों का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करोगे ऐड करने के बाद आएगा न्यू फॉर्म कैपिटल तीनों का क्लोजिंग बैलेंस आप ऐड करोगे अभी क्या है इसका माजरा सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चलेगा मेरी बात ध्यान समझना स्टेप वन कैलकुलेट न्यू फॉर्म कैपिटल कैलकुलेट न्यू फॉर्म कैपिटल उसके लिए क्या करोगे आप टू बैलेंस सी डी ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जोड़ोगे और फिर उसे नहीं रेशम बांट दोगे लेकिन अगर कभी कुछ क्वेश्चन कहता है पैसे बचाने हैं कैश टू रिमेन्स इन हैंड क्वेश्चन कहता है कि पैसा बचाना है मान लो दस हज़ार बीस हज़ार पंद्रह हज़ार अठारह हज़ार बचाना है तो जितना पैसा बचाना है वो प्लस कर दो और जितना ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर है कैश इन बैलेंस शीट जितना ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर है वो माइनस कर दो अब जो ये बचेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे न्यूफॉर्म कैपिटल केस नंबर टू में रिमेनिंग पार्टनर की सीडी को जोड़ रहे थे कैपिटल प्रोपोर्शन बोलेगा तीनों की सीडी को जोड़ोगे और कैपिटल प्रोपोर्शन बोलेगा तो कुछ पैसा बचाने के लिए बोलेगा तो जितना पैसा बचाना चाहते हो प्लस मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा दो दो जितना पैसा बैलेंस शीट में ऑलरेडी पड़ा होगा बैंक बैलेंस में उसे माइनस कर देना आएगा न्यू फॉर्म कैपिटल फिर स्टेप टू डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो डिस्ट्रीब्यूट इट ये बिल्कुल सेम है ये सभी केस में सेम है नए फॉर्म कैपिटल पकड़ लिया ना आपने उसके बाद का केस तीनों केस में सेम है बाधा काम डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो जब नई रेशियो में आएगा क्लास उसी को आप बोलोगे टू बैलेंस सीढ़ी उसी को बोलोगे टू बैलेंस सीढ़ी फिर बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश या करेंट अकाउंट एज द केस मे बी एज द केस मे बी मतलब पता क्या यार ये सारे केस का सेम ही है ऐसे स्टेप थ्री ले लो लिख लो बट कॉपी में आप ये सारे केसेस सेम है बस पहला जो स्टेप है ना वो बदलता है पहले केस में गिवन था दूसरे केस में दोनों की सीडी को जोड़ा तीसरे में तीनों की सीडी को जोड़ा जो पैसा बचाना है वो जोड़ा जो ऑलरेडी बैंक में है उसे माइनस किया नए फॉर्म क्या पे लागे नई रेशम बांटा टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश खत्म अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्वेश्चन देखते हैं और उसे पूरी तरीके से बना के देखते हैं ये रहा क्लास क्वेश्चन नंबर टेन इस कंप्लीट क्वेश्चन को पूरा का पूरा हम लोग बनाएंगे ए बी सी तीन पार्टनर्स है इनकी रेशियो है कितने क्लास थ्री टू वन थ्री बाई सिक्स वन बाई सिक्स बैलेंस शीट में जीआर बढ़ जाएगा इधर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपोजिट साइड राइट और आगे लिखा है बी रिटायर हो गया तो बी छोड़ के चला गया है तो थ्री वन आ गया आपका न्यू रेशियो वही गेनिंग रेशियो हालांकि न्यू रेशियो कुछ इसमें दिया नहीं है अब इसमें एक लाइन देखो गुडविल बाईस हजार की दे रखी है मैंने क्या कहा था दिया रहता है आपको अब ये एक केस देखते हैं बी इज पेड इन फुल अच्छा इस क्वेश्चन में कह दिया कि बी को सारा का सारा पैसा दे, दे देंगे विद द कैश बॉट बाई ए आर सी बी को पूरा सेटल कर दो तुरंत सारा पैसा दे दो तो छोड़ के जा रहा है लेकिन ए और सी कुछ इस तरीके से देंगे ताकि कैपिटल आर इन प्रपोशन जब भी ये लिखा रहेगा कैपिटल आर इन प्रपोशन तो तुम तीनों का सीडी ऐड करोगे ना कि दो का ठीक है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैश इन हैंड मेंटेन्स दस हज़ार पैसा बचाने के लिए बोल दिया दस हज़ार दस हज़ार बचाना है और ऑलरेडी तो दस हज़ार को प्लस करोगे और ऑलरेडी जो है ना यहाँ पे अट्ठारह हज़ार उसको क्या कर दोगे आप माइनस कर दोगे और तुम्हें रिवल्यूशन कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाना है मैं तुम्हें बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा सो so दैट तुम्हारा कुछ भी ना छूटे वन शॉट भले ही कितना लंबा हो लेकिन तुम्हें हर एक चीज कराने को मैंने प्रॉमिस किया था ये भी कराऊंगा बाद में लोन अकाउंट भी कराऊंगा ठीक है तो करते हैं इसको क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्टनर्स कौन कौन है ए बी सी रेशियो है थ्री टू वन थ्री बाई सिक्स टू बाई सिक्स वन बाई सिक्स कौन जा रहा है बी छोड़ के जा रहा है गुडविल कितनी है बाईस हजार बी रिटायर हो रहा है गुडविल है बाईस हजार रीवल्यूशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बना लो सारे बच्चे बी का शेयर आएगा टू बाई सिक्स टू और थ्री सेवन थ्री 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 ये आ गया क्लास यहाँ पे सेवन थ्री 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 ये आगे गुडविल और एंट्री क्या होती है क्लास की ए सी टू बी बी जा रहा है छोड़ के सात हज़ार तीन सौ तैंतीस मिलेगा यह आएगा पचपन सौ अट्ठारह सौ तैंतीस बांटोगे तो पाँच छः सौ ठीक है करेक्ट तो ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट जो आपको करना ही करना है ठीक है अगर कैलकुलेशन और ना कर पाओ तो कैलकुलेट करके कर, कर लेना साइड में रफ खींच सकते हो या पीछे पेज पे रफ ले सकते हो जैसा आपका मन करे ठीक है चलो तो ये होगी क्लास सारी की सारी बातें अब इसके बाद अच्छा अब इसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट बना लिया आपने कैपिटल अकाउंट बनाओ ए बी सी पर्टिकुलर्स ए बी सी पर्टिकुलर्स ए बी सी ठीक है अब हम एक काम करते हैं सबसे पहले गुडल की ट्रीटमेंट जो हमने की है उसकी पोस्टिंग कर लेते हैं गुड़ल की ट्रीटमेंट में ए सी टू बी 2B फिफ्टी फाइव हंड्रेड एटीन थर्टी थ्री ए में और सी में आपने लिखा है टू बी देखो अब हमने इतने सारे क्वेश्चन बना लिए तो अब प्रैक्टिस हो जाएगी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी ए में और सी में टू बी तो बी में क्या लिखोगे बाई ए बाई सी बी में लिखोगे बाई ए बाई सी आएगा फिफ्टी फाइव हंड्रेड आएगा अठारह ए में सी में टू बी बी में बाई ए बाई सी हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट अब इसके बाद और सारे पॉइंट्स देखते हैं। प्रोविजन हजार. Yes, है. हजार से बढ़ गया तो हजार लिख प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हजार रुपए से बढ़ गया तो में डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओके नेक्स्ट स्टॉक रिड्यूस बाई टेन परसेंट फर्नीचर बाई पांच परसेंट स्टॉक दस परसेंट से घट गया फर्नीचर 5 परसेंट से फर्नीचर तीस दे रखा है 5 परसेंट कितना आएगा पंद्रह स्टॉक आएगा अठारह 10 दस परसेंट है ना टू स्टॉक टू फर्नीचर, टू स्टॉक दस परसेंट से टू फर्नीचर 5 परसेंट घट गया तो घाटा और घाटा आएगा रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड ओके समझ आ रहा है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि वन शॉट से सीख रहे हो कि नहीं अगर किसी ने चैप्टर पढ़ रखा है थोड़ा बहुत भी तो उसे वन शॉट से पूरा समझ आएगा लेकिन जिसने कभी पढ़ा ही नहीं है चैप्टर भैया वो डिटेल देखो लाइन बाई लाइन क्योंकि ब्रेक भी चाहिए एक एक ही बार में चैप्टर खत्म करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा एक आउटस्टैंडिंग क्लेम है ग्यारह सो का विच इज टू बी प्रोवाइड फॉर टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज वो है ग्यारह सो रुपए का गुडविल करेटस रिटर्न बैक बाई छः हज़ार कम हो गए क्रेटस छः हज़ार से गुडविल का पॉइंट कर चुके हैं ये लास्ट पॉइंट है खत्म सारा क्रेटस छः हजार से कम हो गया है बाई करेटस छः हजार तो अगर आप देखोगे तो एक दो तीन चार पाँच कितना रहा है पाँच हज़ार चार सौ अट्ठारह सौ हजार पंद्रह सौ ग्यारह सौ फिफ्टी फोर हंड्रेड तो ये आएगा छः सौ रुपये का बैलेंस आएगा टोटल छः हज़ार है गेन आ गया छः सौ रुपये का छह सौ रुपए का गेन है और इस गेन को लिखोगे आप टू रिवेल्यूशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी तीन सौ दो सौ और सौ फिर इस छह सौ को आप यहां भेज दोगे तीन सौ दो सौ सौ किस नाम से आएगा बाई री गेन इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस बीडी डी इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी था ना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और इधर क्या था गुडविल देखते हैं कितना कितना है जनरल रिजर्व बारह हजार है गुडविल दस हजार है तो दस बारह हजार है थ्री टू में बांटोगे बारह हजार को छ से डिवाइड दो दो इंटू तीन छः दो इंटू दो चार दो इंटू एक दो छः चार दस दो बारह ये दस हज़ार है तो पाँच हजार तीन हज़ार तीन सौ तैंतीस वन डबल सिक्स सेवन अगर दस हज़ार को थ्री टू वन थ्री टू वन एक ऐसा रेशियो है जिसमें बहुत क्वेश्चन जिसमें किया है हम लोगों ने काफ़ी हैबिट हो जाती है थ्री टू वन से डिवाइड छः से डिवाइड दे क्या आएगा वो एकदम ऊँह पे रहता है ओपनिंग बैलेंस कितना कितना था फोर्टी फोर्टी थर्टी का ओपनिंग बैलेंस है फोर्टी फोर्टी और थर्टी ओके okay, तो हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया हमने सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली अब इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो बचा हुआ हो राइट चलो अब एक काम करते हैं रिवॉल्यूशन गेन लॉस डाल दिया अब जो छोड़ के जा रहा है उसे सारा पैसा दे दो जो छोड़ के जा रहा है बी सारा पैसा दे दो उसको टोटलिंग करो फोर्टी थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव अठारह सौ तैंतीस चार हजार है फाइव वन फाइव थ्री थ्री फाइव वन फाइव थ्री थ्री फाइव वन फाइव थ्री थ्री माइनस करेंगे थ्री 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 चार अड़तालीस हज़ार दो सौ तो बी को हमने अड़तालीस हजार दो सौ रुपये दे दिए फोर्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड हमने बी को दे दिया अब तुम्हें करना क्या है नए फॉर्म की कैपिटल निकालनी है जिसके लिए तुम्हें वही स्टेप करना है जो अभी मैंने लिखवाया था ठीक है तो ये है क्लास आपका ये क्लास यहाँ पर ले लेते हैं यहीं पे कर लेते हैं वर्किंग नोट ना बैलेंस शीट इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेते हैं ठीक है तो मैंने क्या कहा था आपको तीनों का सी लेना है तो इसका जोड़ लेते हैं फोर्टी थाउजेंड फोर्टी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड है माइनस थर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एक है थर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड दूसरे का तो हमने निकाला अभी फोर्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड तीसरे का थर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड है माइनस वन सिक्स सिक्स सेवन माइनस वन एट डबल थ्री इट्स अट्ठाईस छह सौ ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मैंने क्या कहा था तो तीनों की सीडी को जोड़ना है जितना पैसा बचाना चाहते हो वो भी जोड़ो जितना पैसा बचाना चाहते हो इसमें दस हजार बचाना चाहते हैं ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है अट्ठारह हजार दस हजार हम बचाना चाहते हैं ऑलरेडी अठारह हजार पड़ा हुआ है तो अट्ठारह माइनस करेंगे दस प्लस करेंगे दस प्लस अट्ठारह माइनस अब जो आएगा ये आएगा न्यू फॉर्म कैपिटल तो ट्वेंटी एट थाउजेंड 10,000 दस हजार माइनस अट्ठारह हजार प्लस अड़तालीस दो सौ प्लस पैंतीस आठ सौ एक लाख चार हजार छः सौ तो तुमने क्या किया नए फॉर्म कैपिटल निकाल लिया ये आगे न्यू फॉर्म कैपिटल न्यू फॉर्म कैपिटल तुम स्टेप बाय स्टेप कर लेना मैंने एक ही लाइन में कर दिया कम स्पेस की वजह से फिर इस एक लाख चार हजार छः सौ को नई रेशियो में बांट दो टू बैलेंस सीडी डी एक लाख चार हजार छः सौ और नई रेशियो है थ्री रेशियो टू ये हमने शुरू में लिख लिया था ना येरा एक नई रेशियो सॉरी थ्री रेशियो वन है, है।, है।, है तो गेनिंग रेशियो गेनि गुडल का ट्रीटमेंट हमने गेनिंग रेशियो में किया है ना थ्री रेशियो वन में ही किया है ना हाँ ठीक है करेक्ट है इसको नई रेशियो में हम लोग बांटेंगे एक लाख चार हजार छह डिवाइड बाई फोर छब्बीस एक सौ पचास टू सिक्स वन फाइव ज़ीरो सेवन एट फोर फाइव ज़ीरो देख लो टू सिक्स वन फाइव ज़ीरो सेवन एट फोर फ़ाइव ज़ीरो हमने नए फर्म कैपिटल को नई में बांटा वही टू बैलेंस अब हम बैलेंस करेंगे और जो भी बचेगा वो टू कैश बाई कैश में अब लिखेंगे तो अब देखते हैं सेवन एट फोर फाइव ज़ीरो हो गया ये टोटल आ गया एट एट नाइन फाइव ज़ीरो एट एट नाइन फाइव ज़ीरो तो बैलेंसिंग फिगर इस क्वेश्चन में कैश में आएगा अभी तक सब में करेंट आ रहा था फोर टू सिक्स फाइव ज़ीरो इतना पैसा ये पार्टनर लेकर आएगा बाई कैश अकाउंट और अगर मैं इसका देखूं तो ये है बत्तीस एक सौ ये है बत्तीस एक सौ माइनस करेंगे छब्बीस एक सौ पचास माइनस करेंगे वन डबल सिक्स सेवन वन एट थ्री थ्री टू फोर फाइव ज़ीरो लेके जाएगा ये लेकर जाएगा तो ये जो ये तो फाइनल पेमेंट है जो छोड़ के जा रहा है उसको पेमेंट है तो ये जितने भी कैश वाले ट्रांजेक्शन है ना उसको कैश में प्लस माइनस भी करना है इसीलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट लिखो आराम से इसको अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट तो जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे ना तो आपको हमेशा पुरानी बैलेंस शीट को भी ध्यान रखना है और रिवोल्यूशन अकाउंट को भी देखते हैं क्रेटर्स बिल्स पेबल कैपिटल अकाउंट लिखो क्रेटर्स बिल्स पेबल कैपिटल अकाउंट क्रेटर्स थर्टी थाउजेंड बिल्स पेबल सिक्सटीन थाउजेंड क्रेटर्स में कोई चेंज नहीं है और नहीं क्रेटर्स में छः हजार का था कुछ क्रेटर्स छः हजार से कम हो गया था ना आई थिंक देख लेते हैं अभी रीवल्यूशन अकाउंट ये रहा करेटर्स छः हज़ार से कम हो गया था ठीक है तो चौबीस बचेगा बिल्ज पेबल में कोई चेंज नहीं है वो सिक्सटीन थाउजेंड है कुछ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी भी थी इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज ग्यारह सौ आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज एलेवन हंड्रेड और फिर कैपिटल अकाउंट ए बी ए बी बी को तो पैसा दे दिया आपने ए और सी का तो ए का कितना था पैंतीस आठ सौ सी का था अट्ठाईस छः सौ अट्ठाईस छः सौ थर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड सिक्सटी फोर फोर हंड्रेड प्लस इलेवन हंड्रेड सिक्सटीन थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड एक लाख पाँच हज़ार पाँच सौ ये हो गई क्लास बैलेंस शीट टैली वन लाख फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब आते हैं एसेड साइड कैश इन हैंड एटीन थाउजेंड है तो सबसे पहले कैश का हिसाब किताब कर लेते हैं कैश अट्ठारह हज़ार था अब कुछ प्लस और कुछ माइनस हुआ है ध्यान समझे ना क्या प्लस हुआ है ये पार्टनर लेके आ रहा है फोर टू सिक्स फाइव जीरो इधर है मतलब लेके आ रहा है इधर है मतलब ले जा रहा है फोर टू सिक्स फाइव जीरो प्लस कर दो फोर टू सिक्स फाइव जीरो दो माइनस होगा <coughs> एक तो अड़तालीस दो सौ ये माइनस होगा और एक ये भी माइनस है टू फोर फाइव ज़ीरो टू फोर फाइव जीरो अट्ठारह हज़ार बयालीस फोर टू सिक्स फाइव जीरो माइनस अड़तालीस दो सौ तो हमारा आंसर टेन थाउजेंड आपको याद है क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सब कुछ करने के बाद कैश इन हैंड रिमेन्स दस हजार होना चाहिए रीड करो ये देखो इन सच अ वे कैश इन हैंड रिमेन्स दस हजार और आप यहाँ चेक करो कैश इन हैंड में दस हजार ही बच रहा है इसका मतलब हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है इसमें तो कोई डाउट नहीं है कोई दो राय नहीं है अब आते हैं डेटर्स डेटर्स कितने के हैं क्लास तीन हज़ार पच्चीस हज़ार के और प्रोविज़न है तीन हज़ार का डेटर्स पच्चीस हज़ार का है लेकिन प्रोविज़न हज़ार रुपये से बढ़ गया था अगर आपको याद हो तो प्रोविज़न हज़ार रुपये से बढ़ गया था तो प्रोविज़न आएगा ट्वेंटी फ़ोर थाउजेंड आप चेक करो प्रोविज़न आ रहा है हज़ार से बढ़ गया था प्रोविज़न ना तभी नुकसान हुआ था ट्वेंटी फोर थाउजेंड डिटर्स हो गया डेटर्स के बाद क्या है स्टॉक फर्नीचर मशीन गुडविल तो राइट ऑफ हो गया स्टॉक फर्नीचर मशीनरी स्टॉक फर्नीचर मशीनरी ठीक है तो स्टॉक था कितने का यहाँ देखते हैं स्टॉक था अठारह हजार का स्टॉक लिखो सोलह दो अठारह सौ से कम हो गया था स्टॉक सोलह दो सौ फर्नीचर पंद्रह से कम हो गया था मशीन सत्तर हजार का है फर्नीचर पंद्रह सौ से कम हो गया था मशीन में कोई चेंज नहीं था सत्तर हजार मशीन देख लेते हैं सेवेंटी थाउजेंड दस हजार ऑलरेडी जोड़ दिया एक हज़ार दस प्लस चौबीस थर्टी फोर सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड अट्ठाईस पाँच सौ और मशीन में कोई चेंज था क्या मशीन सेवेंटी थाउजेंड का था मशीन में हमने क्या चेंज करा था अच्छा मशीन में कोई भी चेंज नहीं किया है मशीन तो सेम ही है मशीन में कोई चेंज है ही नहीं स्टॉक हो गया अट्ठारह हज़ार मशीन सेवेंटी थाउजेंड ही है ना एटीन ट्वेंटी टू एटीन थर्टी सेवेंटी टेन वन सिक्सटी एट ठीक है तो क्यों मैच नहीं हो रहा एक सेकेंड रिवॉल्यूशन गेन लॉस हमने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल अकाउंट का लिख लिया बैलेंस सेवन एट फोर फाइव जीरो टू सिक्स वन फाइव जीरो एक सेकेंड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने बना रखा है ना? सेवन एट फोर फाइव जीरो टू सिक्स वन फाइव जीरो ठीक करो कि अपने अकाउंट का बैलेंस ये क्या लिख दिया ये यहाँ से लिख दिया है ये तो सी पहले का है जो बाद में नई फॉर्म को बांट के आए ना वो लिखना है सेवन टू फाइव जीरो टू सिक्स टू सिक्स वन फाइव जीरो ये आएगा थोड़ा सा ज़्यादा आएगा फिर ये सेवन एट फोर फाइव जीरो नए फॉर्म कैपिटल तो एक लाख चार हजार छः सौ था ना तो इतना कम कैसे आ सकता है हाँ एक लाख चार छः सौ प्लस ग्यारह सौ प्लस सोलह हजार प्लस चौबीस हजार वन लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड और अगर मैं इसको इस साइड का हिसाब किताब देखूं टेन थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड अट्ठारह सौ जाएगा पंद्रह सौ जाएगा तो अट्ठाईस हजार पाँच सौ प्लस सत्तर हजार वन लाख फोर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड अच्छा ये जो प्रोविजन है ना एक हज़ार से ज़्यादा था तो तीन हजार हो जाएगा ना पहले कितना था प्रोविजन चेक करो पहले तीन था तो अब चार हो जाएगा ना एक से बढ़ गया तो चार हो जाएगा तो ये इक्कीस आएगा ना कि पच्चीस तो ये आएगा एक लाख पैतालीस हजार सात सौ ठीक है खत्म तो ये देखो टैली हो गया और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया और साथ में केस थर्ड भी खत्म तो आप इन क्वेश्चंस को ना एक एक बार बनाओगे सो दैट कहीं भी कोई डाउट कोई दिक्कत आपको लगता है तो आप साथ ही साथ उसे खत्म कर दोगे अपने अच्छे हैबिट के लिए आप एक दो क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा बना जरूर लेना प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना बेहतर है अब सुनो अभी तक आप रिटायरिंग पार्टनर में क्या कर रहे थे रिटायरिंग पार्टनर में अच्छा एक चीज और इसमें किसी बच्चे डाउट हो सकता है सर आपने रिटायरिंग पार्टनर का लोन क्यों नहीं लिखा बट वो चला गया छोड़ के ना और उसको पैसा भी दे दिया हमने सारा सेटल कर दिया ना उसको तो उसका लोन नहीं आएगा अगर सेटल नहीं किया होता तो यहाँ पर उसका लोन जरूर लिखते अब हम देखते हैं लोन अकाउंट कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं तो ध्यान समझना मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा बहुत ही ज्यादा आसान है और तुम कर लोगे इजीली ठीक है देखो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि ये बी का कैपिटल अकाउंट है और बी का बैलेंस बनता है नब्बे क्वेश्चन कहता है बी को थ्री इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट हमें हमें पेमेंट करनी है और जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उस पर दस परसेंट का हम उसको ब्याज देंगे कुछ नहीं कहता क्वेश्चन तो हम उसको छह परसेंट का ब्याज देते मतलब जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो बी है उसका बनता कितना है नब्बे हजार मतलब कैपिटल में आ गया टू बी लोन नाइन्टी थाउजेंड अब हम उसको तीन किस्तों में तीस तीस करके देंगे तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने कितने की कि होगी मुझे बताओ थर्टी 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 के थर्टी के थर्टी के हर एक इंस्टॉलमेंट जो होगी तीस 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 की होगी हर एक इंस्टॉलमेंट थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड की होगी ओके okay? ठीक है सर थर्टी थर्टी थाउजेंड की होगी डन अब आगे देखना है इसके बाद हम उसका लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे इरा लोन अकाउंट आपने बी के कैपिटल में टू बी लोन लिखा है तो फर्स्ट ईयर में बी के लोन में लिखोगे बाई बी कैपिटल अकाउंट कितना क्लास नाइन्टी थाउजेंड आपने बी के कैपिटल में टू बी लोन लिखा है तो बी के लोन में बाई बी कैपिटल लिखोगे नाइनटी थाउजेंड सबसे पहला तुम्हारा ये काम होगा ओके okay? दूसरा अब तुम यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू करोगे साल के एंड में बाई इंटरेस्ट पहले साल तुम्हें नब्बे हजार ब्याज देना है फिर अगले साल तुम तीस लौटा दोगे तो तुम साठ पे ब्याज दोगे भाई जैसे जैसे प्रिंसिपल लौटाते चले जागो तुम्हारा इंटरेस्ट भी तो कम होता चला जाएगा तो दस परसेंट के हिसाब से बनता है नौ हजार साल का दस परसेंट है नौ हजार तो ये बन गया नाइन्टी नाइन थाउजेंड तुम पहले साल के एंड में फर्स्ट ईयर के एंड में पेमेंट करोगे टू बैंक इंस्टॉलमेंट तुम्हारी कितने की है मुझे बताओ पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है तीस हज़ार की और इंस्टॉलमेंट यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है नौ हज़ार का तो थर्टी नाइन थाउजेंड की तुम पेमेंट कर दोगे और साल के एंड में तुम्हारा टू बैलेंस सीडी जो बचेगा वो बचेगा नाइन्टी नाइन माइनस थर्टी नाइन सिक्सटी थाउजेंड ये सिक्सटी थाउजेंड ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट ईयर का पहले साल का हिसाब किताब ये आपका हो गया ओके अब यही सी जो है सेकेंड ईयर में क्या बनेगा बाई बैलेंस बी डी यही सी डी सेकेंड ईयर में बनेगा बाई बैलेंस बी डी जो कि बनेगा सिक्सटी थाउजेंड अब सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो नब्बे पे नहीं लगेगा वो सिक्सटी पे लगेगा छः हजार पहले साल मैंने तुमसे नब्बे का कर्जा लिया तुमको तीस लौटा दिया ना अब तो तुमको उस तीस पे ब्याज नहीं दूंगा इंटरेस्ट नहीं दूंगा उस तीस को लौटा दिया साठ बचा तो साठ का टेन परसेंट छः हज़ार और ये आ गया सिक्सटी सिक्स थाउजेंड ये आ गया सिक्सटी सिक्स थाउजेंड अब हम क्या करेंगे टू बैंक सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की है थर्टी थाउजेंड की प्लस इंटरेस्ट है सिक्स थाउजेंड तो पेमेंट कितने की होगी थर्टी सिक्स थाउजेंड की है ना भाई हर साल पहली किस्त तीस की दूसरी किस्त भी तीस की तो अभी तुम्हारे पास जो बचा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये सेकेंड ईयर का हिसाब किताब है टू बैलेंस सी फिर अगले साल थर्ड ईयर में यही सी क्या बन जाएगा बाई बैलेंस बी डी अब तुमको जो इंटरेस्ट देना है वो सिर्फ थर्टी थाउजेंड पे देना है किस पे ओनली थर्टी थाउजेंड पे तो बाय इंटरेस्ट ये साल का पहला डेट है ये क्लोजिंग डेट होती है बाय इंटरेस्ट थर्टी थाउजेंड का टेन परसेंट थ्री थाउजेंड थर्टी थ्री अब जो हम पेमेंट करेंगे ना थर्ड ईयर में टू बैंक थर्ड ईयर के एंड में तीसरा साल जब निकल जाएगा ना थर्टी फर्स्ट मार्च को तब तीसरी किस्त पहली किस्त थी दूसरी किस्त तीसरी इंस्टॉलमेंट थर्टी थाउजेंड प्लस इंटरेस्ट जो है वो थ्री थाउजेंड हो गया तो ये हो गया थर्टी थ्री थाउजेंड और ये बिल्कुल मैच हो गया ये बिल्कुल डन हो गया ओके okay, कोई दिक्कत परेशानी क्लास यहाँ तक तो ये हो गया क्लास आपको तीनों गिर का हिसाब किताब और जब ये बराबर हो जाता है ना इसका मतलब क्या है कि हिसाब किताब खत्म हो गया कोई बैलेंस नहीं बचा लोन का बैलेंस ज़ीरो हो गया टू बैलेंस सी डी जीरो अगर मैं यहाँ पे सी डी लिखूँगा तो सी डी क्या आएगा ज़ीरो तो इसका मतलब सारा हिसाब किताब ख़त्म और इसके साथ ये चैप्टर खत्म मैंने हर एक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट सब कुछ मैंने कोशिश करा कि आप लोगों को अच्छे से करा दूँ उम्मीद है क्लास कि आप लोग सपोर्ट जरूर करोगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना इस मेरी मेहनत के लिए बहुत मेहनत होती है बहुत हार्डवर्क होता है अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो और मोटिवेशन जगता है और अच्छे से मेहनत करने के लिए अगर आप एंड तक देख रहे हो तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट करो बहुत सारे बच्चे तो कुछ देर में ही चले जाते हैं वीडियो छोड़ के बट तो आप स्टिल एंड तक देख रहे हो तो प्लीज़ कॉमेंट करो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वन शॉट के साथ उम्मीद है आपको अकाउंट ईको बस टी तीनों का वन शॉट मजा आ रहा होगा इको बी में क्लास टेन मिनट रिविजन सीरीज चल रहा है सो दैट विद इन टेन मिनट आप सब कुछ रिविजन कर लो थियोरी बाकी कोशिश करूंगा क्लास बिफोर एग्जाम एक और वन शॉट लेके आऊँगा जो एग्जामिनेशन में जो गैप होगा उसके हिसाब से प्रिपरेशन कराऊंगा आपको मैं तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय गॉड ब्लेस यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में